हाय गाइस, पहले मुझे कंफर्म कर दो प्लीज सारे कि मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है कि नहीं। यस सर। निरंजन एंड ताला, यस इट्स सर। यस कंफर्म? यस क्लियर। ओके ठीक है गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ F3 गाइस। मुझे पहले ये बताओ कि तुम में से कौन कौन स्टूडेंट है जिसका जो F3 है दैट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। दो चीजें मैं पूछना चाहता हूँ। पहला कि F3 जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट किस स्टूडेंट का है, एंड सेकंड के साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है। ये दो चीजें मुझे बताओ प्लीज गाइस। पहला कि F3 फर्स्ट सब्जेक्ट किसके स्टूडेंट का है। सर मेरा F3 पहला सब्जेक्ट नहीं है और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। जस्ट गिव मी अ स्मॉल सेकंड। जस्ट वन सेकेंड, एक्चुअली मेरे हेडफोन्स की ना बैटरी लो हो गई है। यस हाँ सिमरन, व्हाट यू वर सेइंग? F3 मेरा पहला सब्जेक्ट नहीं है और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से। ओके ठीक है। निरंजन सर F3 मेरा नया सब्जेक्ट है और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। Okay, you are from science background. Tala? Yes, sir. F3 मेरा भी पहला subject नहीं है और मैं commerce background से। Okay, you both are from commerce background and Niranjan is from science background. ठीक है चलो। So guys देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो हमारा subject F3 है वो अभी इसका सारा introduction वगैरह पढ़ेंगे, सारा base books हम सारा देखेंगे अभी। तो अभी किसी बच्चे ने ये नहीं सोचना कि उन्होंने अकाउंट्स 11th में या 12th में जो कॉमर्स बैकग्राउंड में जो पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे कुछ एज सच अभी यूज होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना किसी ने। सबने ये सोचना है कि F3 अकाउंटिंग बिल्कुल नई है, नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल नए तरीके से यानी स्क्रैच से हम इस सब्जेक्ट को यानी FA FFA को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे को यू विल बी गेटिंग दिस बुक जो तुम्हारी एप्लीकेबल है फ्रॉम सेप्टेम्बर 2023 टू ऑगस्ट 2024। ये तुम्हारी बुक्स यहाँ से एप्लीकेबल होंगी और लेटेस्ट बुक्स तुम्हारे को मिलेंगी, ई बुक्स तुम्हारे को मिलेंगी। किस तरह से होती हैं ई बुक्स, आई विल शो यू। ऐसी एक ऐप होती है जो तुम्हारे फोन में ऐप डलेगी, जिस ऐप नेम इज बुक शेल्फ, ये एक ऐप होगी। ठीक है, और अगर ये ऐप लैपटॉप में करोगे, लैपटॉप में भी तुम्हारी बुक शेल्फ ऐप होगी, उस ऐप में तुम्हारे को ऐसी ई बुक मिलेगी। ये जो ई बुक है इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि क्या ये डाउनलोडेबल है, एज इन लाइक कि क्या इसका प्रिंटआउट निकल सकता है। नहीं, इनका प्रिंटआउट नहीं निकल सकता। तो ये जो बुक है, दीज आर प्रॉपर ई बुक्स, यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज। इसमें बुक में क्या है, जैसे तुम्हें लेट्स से यू वांट टू गो टू फोर्थ चैप्टर, तो डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन फोर्थ चैप्टर और तुम फोर्थ चैप्टर पे पहुंच जाओ। सी दिस द फोर्थ चैप्टर। ऐसे करके सारी बुक्स जो है ये आपस में, ये सारे चैप्टर्स जो है वो है आपस में कनेक्टेड। प्लस तुम बुक्स में अगर कुछ मार्किंग करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो मार्क, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, वैसे मार्किंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैंने तुम्हारे को F3 के पूरे पूरे नोट्स और मैराथन वीडियोस देनी है, तो इट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। बट स्टिल अगर बुक में तुम्हें कुछ मार्क करना हुआ तो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे तुम इसको हाईलाइट कर सकते हो। इट इज टोटली ऑप्शनल, तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बी। ठीक है, ये है तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट, ये तुम्हारे को मिलेगी। इसके साथ तुम्हारे को मिलेगी एक एग्जाम किट BPP की, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एंड हाउ गुड इट इज। ई बुक जो है वो भी मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। सो ये मिलेगी तुम्हारे को FA की प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट, दैट इज एग्जाम किट। इसके अंदर हर चैप्टर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे, एग्जाम किट के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ हाउ दिस बुक इज। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, ऐसे हमें क्वेश्चन गिवन होगा,
इसके जो आंसर्स हैं वो तुम्हारे को यहां से यू हैव टू सिलेक्ट, व्हेन यू विल सिलेक्ट एंड क्लिक सबमिट तो तुम्हारे को पता चलेगा तुम्हारा आंसर सही है या गलत, प्लस तुम्हें उसकी रीजनिंग मिल जाएगी। लेट्स से अगर पहले वाले का मैं रैंडमली ये डालता हूँ जस्ट फॉर रैंडम एंड आई क्लिक ऑन सबमिट, तो साथ ही आ गया कि आंसर इज इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज दिस। इस तरह से तुम्हारे को एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसकी एक अच्छी बात क्या है, ये बिल्कुल काइंड ऑफ एग्जाम की तरह होगा कि जब तक तुम ये सिलेक्ट नहीं करोगे यू विल नॉट गेट द आंसर, तो तुम कुछ ना कुछ सिलेक्ट करोगे ही, उसके बाद तुम्हें आंसर मिलेगा। एग्जाम में भी तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। तो ये है तुम्हारी बुक दैट इज स्टडी टेक्स्ट एंड ये है तुम्हारी एग्जाम किट। इस एग्जाम किट में तुम्हारे को सारे चैप्टर्स के सेक्शन ए के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन बी के क्वेश्चंस मिलेंगे, तुम्हारे को 3 मॉक्स मिलेंगे इस बुक में, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के जो मॉक्स हैं वो भी यहां मिलेंगे। और वो मॉक्स कैसे हैं आई विल शो यू अगेन। जैसे ही हमारा मॉक है, दिस इज द फर्स्ट मॉक, तो इस मॉक में भी हमारे को ऐसे सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू सिलेक्ट। अभी लेट्स से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे नहीं पता चलेगा मेरा आंसर सही है या नहीं, अभी नहीं पता चलेगा। जब मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगा, अभी मैं तुम्हें बायफोकेशन बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस कौन कौन से सेक्शन में आते हैं, सब कुछ एफए का बताऊंगा। अभी जस्ट मैं तुम्हारे को बुक से एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बुक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि बुक कैसी है। तो 35 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सेक्शन ए में। जब तुम 35 क्वेश्चंस कर लोगे सारे के सारे, उसके बाद सेक्शन बी आएगा। जब तुम सेक्शन बी पूरा कर लोगे, एट द एंड यू विल क्लिक ऑन सबमिट एग्जाम एंड यू विल गेट टू नो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। तो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी तुम्हारे एग्जाम के लिए और पता चलेगा कि एग्जाम में अगर तुम अप्रोच करोगे तो कितने मार्क्स तुम्हारे आएंगे। ये है स्टडी टेक्स्ट और है एग्जाम किट हमारी। अब हमारी जो क्लासेस है गाइस, वो क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस वे से हमारी क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो जैसा कि मैं तुम्हें बताया था कि 4:30 to 6:30 एवरी डे मंडे वेंसडे फ्राइडे हमारी क्लास होगी 4:30 to 6:30। अभी स्टूडेंट है विशाल, वो ऐड नहीं हुआ अभी। तो 4:30 to 6:30 हमारी क्लास होगी मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे। ये क्लास हमारी जो 2 आवर्स की होगी, इसमें पहले 30 मिनट्स मैं तुम्हारे जो भी प्रीवियस क्लास के डाउट्स हैं 30 मिनट्स या 15 मिनट्स वो डाउट्स लूंगा। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट चैप्टर, जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। जो भी हम क्लासेस करेंगे, जैसे आज की जो क्लास हो रही है, एवरी क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड ये रिकॉर्डिंग्स जो है यू विल आल्सो गेट दिस रिकॉर्डिंग इन योर ऐप। इसी ऐप में तुम्हारे को यही क्लास जो हम कर रहे हैं एग्जैक्टली यही रिकॉर्डिंग तुम्हारे को मिलेगी। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सो दैट अगर तुमने कोई क्लास मिस करी है या तुम्हें कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो तुम इस क्लास को देख के अपना वो टॉपिक इजिली रिवाइज कर पाओगे। तो ये है हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर चलेगा। अब क्लासेस में हम कवर क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि एक हमारी है स्टडी टेक्स्ट और एक है हमारी एग्जाम किट। एक है स्टडी टेक्स्ट और एक है हमारी एग्जाम किट। हम स्टडी टेक्स्ट पूरी पूरी कवर करेंगे, सारे चैप्टर सब कुछ, एक एक एक्टिविटी सब कुछ कवर करेंगे। एग्जाम किट होगा क्या, एग्जाम किट हर चैप्टर करने के बाद आई वुड आस्क यू टू सॉल्व द एग्जाम किट। जब हम चैप्टर्स कर लेंगे मैं कहूंगा कि तुम्हें उसकी एग्जाम किट खुद सॉल्व करनी है। जब तुम सॉल्व करोगे नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट होने से पहले, जो मैंने तुम्हारे को 30 मिनट्स बताए हैं, वहां पे मैं तुम्हारे इन एग्जाम किट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स लूंगा। उन डाउट्स के बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब अगर एग्जाम किट करते हुए बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, लेट्स से कोई चैप्टर ऐसा है, होंगे डेफिनेटली ऐसे चैप्टर भी होंगे जहां पे एग्जाम किट सॉल्व करते हुए तुम्हें डाउट्स थोड़े से ज्यादा आएंगे। अगर यहां पे 20 क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है तुम्हारे 10 सही हो 10 गलत हो। उस सिचुएशन में तुम मुझे जब ये चीज बताओगे तो मैं उस चैप्टर की पूरी एग्जाम किट वीडियो जो है वो तुम्हारे को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की एग्जाम किट की वो बना के तुम्हारे को तुम्हारी ऐप पे उस चैप्टर के साथ ही मिल जाएगी, ठीक है। प्लस तुम सबका, जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है F3 का, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो हाइब्रिड का है, जो भी तुम्हारा डाउट हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे टेक्निकल, एनी डाउट यू हैव, एनी क्वेश्चन, कुछ भी, तुम वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हो। यू कैन जस्ट क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट क्वेश्चन, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, या कोई कॉन्सेप्चुअल कोई टर्म है तो सीधा वो टर्म लिख के मुझसे पूछ सकते हो। माई फर्स्ट थिंग वुड बी कि मैं उस मैसेज का रिप्लाई करूं। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं किसी और पर्सनल मैसेज पे मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, सीधा यू कैन सेंड दी व्हाट्सएप और वहां पे तुम मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो। अब
जो भी हमारी लाइव क्लास गाइस चल रही है, जो हमारी 2 आवर्स की क्लास है, इस 2 आवर्स की क्लास में अब जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक वन वे. मैंने तुम्हें बताया था, मैंने इनिशियली बताया था कि जो मेरी नॉलेज लेवल की क्लासेस होती हैं, ये मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है सारे स्टूडेंट्स के साथ. इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन कि तुम्हारा कोई भी डाउट है, कुछ भी तुम्हें मुझसे पूछना है, तो यू कैन आस्क मी. तो इसमें जब भी मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक खत्म होने के बाद आई विल आस्क कि किसका इसमें क्या डाउट है. और ऐसा नहीं है कि पूरा लेक्चर, एक टॉपिक खत्म होगा, आई विल आस्क यू, उस टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट तो नहीं है, तुम्हारा कोई भी डाउट होगा तो मुझसे वहां पे पूछ सकते हो. बट जब मैं करा रहा हूँ, ट्राई करना उस टाइम पे मुझे स्टॉप ना करो. अगर है, अर्जेंट है तो कर लेना, इतना अर्जेंट नहीं है तो जस्ट राइट इट समवेयर इन योर कॉपी और उसके बाद तुम ये डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है. तीसरी चीज, अब ये जब हम सब कुछ पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सर क्या हमें नोट्स खुद बनाने हैं, मतलब एक कॉपी साथ रखनी है और नोट्स खुद बनाने हैं, या फिर नोट्स आप दोगे. देखो, तुम्हारे को F3 के मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं. F3 के मैंने मैराथन वीडियोस भी बनाई हुई है. मैराथन वीडियोस आर लाइक फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ द इंटायर सिलेबस. बट वो मैराथन वीडियोस इनिशियली मैं किसी भी बच्चे को नहीं दूंगा. ये मैराथन वीडियो जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें जब रिवीजन करनी होगी तब तुम्हारे को मिलेगी. रीजन बीइंग, इनिशियली इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड कि तुम्हें सिर्फ बुक में से ही पढ़ना है, तुम्हें मैराथन वीडियो से नहीं पढ़ना. नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कि नोट्स तुम हैंडी अपने पास रख सकते हो. क्लास के साथ तुम्हें एक कॉपी भी अपने साथ बना के रखनी है और कॉपी में भी जो चीजें मैं बोलूंगा तुम चाहो तो लिख सकते हो, जो मैं बोलूंगा वो तो तुम्हें लिखनी है, सो दैट जब तुम रिटर्न प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चंस करोगे वहां तुम्हारी ये हेल्प. नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे, नोट्स अपने प्रिंट आउट निकाल के सारे चैप्टर से अपने साथ ही रख लेना, वो तुम्हारी उस चैप्टर की काफी हेल्प करेंगे. प्लस मैं नोट्स के साथ साथ थोड़ा रेफरेंस भी लेता रहूंगा कि इन नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, सो तुम उस नोट्स के साथ भी फैमिलियर हो जाओ. दिस इज हाउ आर क्लासेस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड. किसी भी बच्चे का किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग या कुछ भी जो मैंने अभी बताया कोई डाउट? नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है, सो दिस इज हाउ आर क्लासेस आर गोइंग टू बी. अब इसके बाद एक चीज जो है हमारी के सिलेबस कंप्लीशन कब तक होगा हमारा? सिलेबस कंप्लीशन कब तक होगा? तो टुडे इज 8th of January. 8 जनवरी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट बाय 15th of March. सो टू एंड हाफ मंथ मुझे लगते हैं. जनरली 2 मंथ्स में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बट थोड़ा बहुत बीच में ऊपर नीचे हो जाता है. तो 8th to 15th of March के बीच में जो हमारा सिलेबस है वो हमारा सॉरी 10th to 15th of March के बीच में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. पूरा सिलेबस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद यू विल बी आस्क्ड टू रिवाइज दिस सिलेबस इन नेक्स्ट 10 डेज. 10 डेज में तुम अपना पूरा जो सिलेबस है, इंटायर सिलेबस यू विल रिवाइज. सब कुछ रिवाइज करोगे, मैराथन वीडियोस देखोगे, नोट्स में से पढ़ोगे, एग्जाम किट रिवाइज करोगे, एग्जाम किट जो है वो दोबारा रिवाइज करोगे. एग्जाम किट में तुम्हारे मिक्स्ड बैंक क्वेश्चंस है, वो मिक्स्ड बैंक क्वेश्चंस करोगे. उसके बाद मिक्स्ड बैंक क्वेश्चंस के बाद तुम मॉक्स करोगे. ये करने के बाद हमारा, मैं पर्सनली भी सबसे इंडिविजुअली भी बात करूंगा, हमारी क्लासेस भी होंगी, वहां से वी विल डिसाइड कि कब किस बच्चे ने अपना जो एग्जाम है वो बुक कराना है. अपने आप कोई भी एग्जाम बुक नहीं कराएगा कि सर मैंने एग्जाम बुक कराया था और मैं दे आया. प्लीज मुझसे डिस्कस करना ये चीजें, क्योंकि पिछले जो मेरे अटेम्प्ट्स हैं पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ है, जो बच्चे डिस्कस करते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि एग्जाम तुम्हें अभी नहीं देना चाहिए, 1 वीक रुक के दो, 1 वीक में ये कमी है, ये सारी उस पर वर्क करो. जल्दबाजी का काम नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम आर कॉस्टली. 8 to 10,000 फीस लगती है एग्जाम बुक कराने में. एंड अगर तुम जल्दबाजी में करोगे कि चलो 50% तो आ ही जाएंगे, इतना तो सिलेबस आता ही है, वो चीज हमें किसी को नहीं करनी, ठीक है. तो इस तरह से हमारा सिलेबस चलेगा. प्लस उसके बाद जब हम चैप्टर्स कर रहे होंगे तो 5 to 6 चैप्टर्स के बाद तुम्हारा एक टेस्ट होगा. यू विल बी डूइंग अ टेस्ट MC, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा. अभी ऑब्जेक्टिव MCQ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो सारा मैंने सब्जेक्ट की डेप्थ अभी तुम्हें बतानी है. एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट के लिए अब तुम जब रिविजन कर रहे होंगे, तुम सबका एक डाउट हो सकता है कि सर टेस्ट के लिए हमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हम कैसे करें, क्यों हमने सारे एग्जाम के क्वेश्चन तो कर लिए,
हमने जो बुक थी स्टडी टेक्स उसकी एक्टिविटीज भी कर ली, एग्जाम के क्वेश्चंस भी कर लिए, अब टेस्ट की रिवीजन के लिए हम नए क्वेश्चंस कहाँ से करें? तो उसके लिए व्हाट यू विल डू, तुम सबके पास अपना ACCA का लॉगिन होगा। ACCA में यू मस्ट बी हैविंग एन एक्सेस ऑफ ACCA स्टडी हब। जिन बच्चों का F3 पहला एग्जाम नहीं है, यू नो व्हाट ACCA स्टडी हब इज, सिमरन एंड ताला? यस सर। ठीक है ना, इस स्टडी हब के अंदर तुम्हारे को हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हारे को हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये तुम अपने टेस्ट के टाइम पे उन चैप्टर्स के रिवाइज करोगे। इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चंस ACCA के हैं। तुम जब ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे, BPP की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, BPP की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, कापलान तो हम पढ़ ही नहीं रहे, उसकी तो बहुत ईजी लैंग्वेज है, ACCA की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो जब तुम ये दोनों चीजें कर लोगे, यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर सब्जेक्ट दैट इज F3। इस तरह से हमारा जो सिलेबस है, टाइमिंग्स है, वो सब कुछ चलेगा। एक चीज गाइस मैं तुम सबको एडवांस में बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बताऊं। गाइस 19 से लेके 23rd तक आई एम नॉट इन टाउन, और इसके बीच में हमारी दो क्लासेस होंगी, फ्राइडे एंड मंडे 19 से 23rd। बट इट डजंट मीन कि इन दोनों टाइम पे तुम्हारी क्लासेस नहीं होंगी। इस टाइम पे जो चैप्टर्स हमें आगे के करने होंगे, मेरा जो प्रीवियस लाइव बैच था इसी सब्जेक्ट का, इसी बुक का, तो मैं वो तुम्हारे को उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें उस वीक वो रिकॉर्डिंग देखनी है। वो मेरी लाइव क्लास ही है जो प्रीवियस बैच के साथ हुई है, वो मैं तुम्हारे को दूंगा, सो दैट तुम्हारा सिलेबस ना रुके। आई विल मैसेज यू कि तुम्हें ये रिकॉर्डिंग जो है तुम्हें इस वीक देखनी है, और कौन कौन से क्वेश्चन करने, डाउट्स वगैरह तो जब मैं आ जाऊंगा विल सॉल्व ऑल द डाउट्स। इसके रिगार्डिंग है किसी को कोई डाउट कि हमारा सिलेबस कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, सिलेबस में क्या क्या है, क्वेश्चंस कैसे कब करने, ये सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। और गाइस अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं तेज स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, या किसी को लगे मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे साथ साथ बताते रहना। अगर तुम्हें लग रहा है आई एम गोइंग फास्ट, तो बोल देना सर आप बहुत फास्ट चल रहे हो, थोड़ा स्लो हो जाओ। और अगर तुम्हें लग रहा है मैं बहुत ही स्लो हूँ, तो मुझे बता देना कि सर आप बहुत स्लो चल रहे हो, प्लीज इंक्रीज द स्पीड अभी। एक चीज जो मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बताई थी वो याद रखना, जिस बच्चे ने, जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तुम दोनों में से तालहा एंड सिमरन यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, प्लस तुमने दूसरे सब्जेक्ट्स भी करे हैं ACCA के, तो थोड़ा सा मैं जब इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा तो तुम्हें शायद लग सकता है कि ये तो हमें पता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, निगलेक्ट मत करना कि तुम्हें पता ही है, ये तो हमने 12th में 11th में पढ़ा हुआ है, वो चीज मत सोचना। क्यों, मैं जो चीज तुम्हें पढ़ाऊंगा या जो 11th 12th में है वो बहुत अलग है। 11th 12th में जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, दैट इज हमारी सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाले, और सिंपल क्वेश्चंस करने होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा करने होते हैं, आंसर्स निकालने का ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है वहां पे। यहाँ पे सारा कॉन्सेप्चुअल है। जितने भी स्टूडेंट्स F3 के एग्जाम दे के आए हैं, सबका एक जो आंसर निकला है, एक जो क्रक सबका निकला है कि F3 का पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल आता है। किसी भी बुक से तुम पढ़ लो, मॉक्स दे दो, ACCA के क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आता है। सिर्फ वो बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जिसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हर चीज कॉन्सेप्चुअली पता है, वो ही बच्चा इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता है। अदरवाइज बच्चे बॉटम लाइन पे रह जाते हैं जिन्होंने रट्टाफिकेशन करी। तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो सुनना लैज इन लाइक कि तुम्हें वो चीज नहीं पता। जैसे एक जर्नल एंट्री है, मैं बोलूँ कैश आया है तो ये जर्नल एंट्री होगी, तो उस चीज को ऐसे समझना कि ये हमें बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल अलग है हमारी क्लास 11 से, तभी तुम्हें मजा भी आएगा और कॉन्सेप्चुअली चीजें भी तुम्हारे को क्लियर होंगी। अगर तुम माइंड में पहले से एक प्री कंसीव नोशन लेके चलोगे कि ये तो हमें आता है, तो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। ये चीज गाइस सबने करनी है। अब मैं तुम्हारे को इंट्रोडक्शन कराता हूं हमारा जो सब्जेक्ट है F3 उससे, इसका पेपर पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो भी मिसकंसेप्शन बच्चों की है F3 के रिगार्डिंग, वो सारे क्लियर करने के लिए। अब गाइस जो F3 का हमारा सब्जेक्ट होता है, दिस इज फॉर टोटल 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, और ये जो पेपर होता है ये होता है CBE। CBE मतलब दिस इज कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट। गाइस थोड़ी सी ना मेरी राइटिंग की जो राइटिंग है थोड़ी सी आज खराब हो गई, एक्चुअली यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है तो ठंड में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है,
तो सीबीई मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब तुम्हारे को तुम्हारे सामने जब तुम एग्जाम देने जाओगे एक कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के साथ एक कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड के साथ एक छोटा सा माउस होगा, और तुम्हारे को अपना जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे को कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा वहां पे सॉल्व करने हैं। कीबोर्ड से तुम्हारे को जो भी टाइपिंग करनी है सब कुछ करनी है, पेपर पेन का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। हालांकि यू विल बी कैरिंग अ पेपर अ पेन एंड अ कैलकुलेटर विद यू। कैलकुलेटर और पेपर पेन तुम अपने साथ कैरी करोगे। पेपर इसलिए कि तुम्हारे को, गाइस वन सेकेंड, पेपर इसलिए कि तुम्हारे को जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, कैलकुलेशन करनी होंगी, वो तुम यहाँ कर सकते हो पेपर और पेन से। कैलकुलेटर इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हारे को कैलकुलेटर पे ही करनी पड़ेंगी, तुम्हारे को कोई कैलकुलेटर वो नहीं देगी। अब ये जो कैलकुलेटर है, एक और बच्चों का डाउट होता है कि सर कैलकुलेटर कौन सा हम परचेज करें। अभी इनिशियली कोई भी बच्चा मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं करेगा कि चलो एग्जाम जब होगा तब हम कैलकुलेटर ले लेंगे। अभी से कैलकुलेटर ले लो क्योंकि एग्जाम में तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड। तो अभी से कैलकुलेटर परचेज कर लो। एंड द बेस्ट कैलकुलेटर जो मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस से देखा है, दैट इज, जो मेरे पास भी है, दैट इज कैसियो DJ 120D। ये कैलकुलेटर है जो मैं यूज करता हूँ, आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 6-7 ईयर्स। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा हाथ इसमें सेट है। रीजन इस चीज का, एक तो इसका देखो साइज थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा इसमें यहाँ पे 3 जीरोस हैं जो फिगर्स हमारी मिलियन में, जैसे हमें 1 मिलियन लिखना है तो यू माइट गेट कंफ्यूज के 1 मिलियन हमारी यहाँ डबल जीरोस में कैसे आएंगी। तो सिंपल 1 एंड ये 000 करोगे, इट विल बी डायरेक्टली 1 मिलियन। तो ये यहाँ पे मिलियंस में फिगर है, और ACCA जो है वो सारा मिलियंस में चलता है, इट्स नॉट इन लैक्स और क्रोर्स, ACCA इज इन मिलियंस। तो ये कैलकुलेटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, तो ये तुम परचेज कर सकते हो, इट वुड बी अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज ज्यादा बड़ा साइज लगे तो थोड़ा सा छोटा ले सकते हो, बट कैसियो का ही कैलकुलेटर लेना, सिटीजन का मत लेना क्योंकि सिटीजन के कैलकुलेटर बहुत लैग करते हैं। जब तुम कैलकुलेशन करोगे धक 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 कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, सिटीजन वाले कई जगहों पे कई नंबर स्किप कर देंगे और तुम्हारा आंसर गलत होगा। तो कैसियो का कैलकुलेटर यूज करना, ये तुम्हारा एग्जाम होगा इस कंप्यूटर पे, तुम्हारा एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एनवायरमेंट। तुम एग्जाम दो जगह पे दे सकते हो, एक होता है तुम्हारा सेंटर बेस्ड, एक होता है रिमोट बेस्ड। सेंटर बेस्ड होता है कि तुम्हारे को एक सेंटर बुक कराना पड़ेगा, सेंटर बुक करा के वहां पे तुम अपना एग्जाम कंडक्ट कराओगे। उसके लिए तुम सीधा सीधा सेंटर को कॉल करके अपना एग्जाम बुक करा सकते हो, या ACCA की साइट पे जाके भी तुम वहां से अपना सेंटर चूज करके एग्जाम अपना बुक करा सकते हो। रिमोट बेस में क्या होगा, तुम्हें अपना घर पे ही एग्जाम ये देना होगा, तुम्हारे को घर पे ही पूरा सिस्टम होना चाहिए, एक रूम तुम्हारे पास होना चाहिए। इसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, आई विल शेयर। ये मैं किसी भी बच्चे को रेकमेंड नहीं करता, रिमोट बेस एग्जाम मैं रेकमेंड किसी भी बच्चे को नहीं करता। रीजन ये है, अगर तो तुम्हारे घर के आसपास कोई सेंटर नहीं है तभी तुम रिमोट बेस पे जाना, अदरवाइज ऑलवेज गो फॉर सेंटर बेस। क्योंकि रिमोट बेस में ना टेक्निकलिटीज की वजह से काफी इश्यूज बहुत बच्चों को आते हैं और उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। मेरा खुद का एक अभी स्टूडेंट है लास्ट बैच का, जिसने रिमोट बेस एग्जाम दिया था और हुआ क्या कि उसका आधे घंटे बाद एग्जाम कैंसिल हो गया और उसका एग्जाम कैंसिल लिखा आया ड्यू टू टेक्निकल रीजन। अब वो बेचारा दोबारा से पढ़ाई करेगा, दोबारा एग्जाम बुक कराएगा, तो वो बड़ा डिसहार्टनिंग और डिमोटिवेटिंग होता है। तो ऑलवेज प्रेफर सेंटर बेस, नहीं ऑप्शन तो रिमोट बेस पे जाना। ये है हमारा पूरा किस तरीके से ACCA के एग्जाम्स होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे तुम्हें जाके एग्जाम देंगे। इस चीज में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? नो सर, नो ठीक है। सर, चलो अब आता है हमारा F3। इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं, क्या तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो F3 का जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज हमारा 70 मार्क्स का एंड दूसरा है हमारा 30 मार्क्स। 70 मार्क्स में तुम्हारे को 35 क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स ईच, 35 क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे यहाँ पे, और ये जो 30 मार्क्स है यहाँ पे तुम्हारे को 2 क्वेश्चंस होंगे
15 मार्क्स ईच, 15 मार्क का हमारा एक क्वेश्चन होगा और दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 30 मार्क्स में आएंगे। अब जो ये 35 क्वेश्चन हमारे आते हैं इसका टाइप क्या होता है, तो आई वुड लाइक टू नो जिन भी बच्चों ने F3 के एग्जाम दिए हैं या F3 कह रहा हूँ सॉरी ACC के जो एग्जाम दिए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं गाइस? सिमरन ताल्हा, अच्छा सिमरन तुमने अभी एग्जाम जो दिया है कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दिया अभी तुमने? सर एक्चुअली मैंने कोई एग्जाम एज सच नहीं दिया, मेरा कॉलेज में ही कोर्स इंटीग्रेटेड है बीकॉम विद ACCA, तो पर मेरे कॉलेज में वो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स नहीं मेरे क्लियर हो रहे, तो इसलिए मैंने फर्दर गाइडेंस के लिए आपके यहाँ एनरोल किया। ओके ओके एंड ताला? सर आई हैव गिवन FBT टाइप क्या होता है। चलो एनीवेज सिमरन अगर तुम्हारा F3 में ये हेल्पफुल नहीं है, दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर F7 क्योंकि F7 तुम्हारा बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है ना? आई थिंक तुमने F7 की भी तुम्हारे को कॉलेज में भी F7 का ही तुम्हारा कॉलेज एग्जाम में ही हो F7, ACCA का नहीं होगा ना? हाँ. सीधा चार पेपर देने होंगे तुम्हें प्रोफेशनल लेवल के। यस ठीक है। चलो अभी जो 35 क्वेश्चंस है गाइस, यहाँ पे हमारे को चार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है MCQ, एक होता है MTQ, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है MRM मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग, या इसको सॉरी इसको हम बोलते हैं MR। एक होता है MCQ, एक होता है MR, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है MRM और इन सब को कंबाइंड ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। ये छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हारी अभी क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जाके तुम कभी किसी भी चीज में कंफ्यूज ना हो। बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन क्या रहती है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है चार ऑप्शन है उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों का है कि ऑब्जेक्टिव मतलब चार ऑप्शंस होंगे हमें एक सिलेक्ट करना है। दिस इज मल्टीपल चॉइस नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चार चीजें आती हैं। इस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस जिसमें तुम्हारे पास चार ऑप्शंस होंगी उसमें से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है। मल्टीपल रिस्पॉन्स में तुम्हारे पास चार या पांच ऑप्शंस होंगे जिसमें से तुम्हें दो या तीन सिलेक्ट करने होंगे जो भी तुम्हें सही लगता है। That is multiple response. तीसरा तुम्हारा होगा direct question. Direct में क्या होगा, तुम्हारे को एक space given होगा और इसमें तुम्हारे को अपनी figure type करनी पड़ेगी। कोई भी word नहीं हमें लिखना, सीधा सीधा numbers ही हमें यहाँ पे type करने पड़ेंगे, जैसे 2000 या 4000, ये हमें number यहाँ पे type करना पड़ेगा। That is direct. Multiple response matching में क्या होगा, हमारे पास ऐसे चार option होंगे और हमें इनको आपस में match करना पड़ेगा कि कौन सा किससे लिंक करता है। अब उसको करने के बहुत सारे ऑप्शन होंगे, हो सकता है वो इसके आगे स्पेस दे दें कि बताओ इसके आगे इसमें से कौन सा सही है, या अगर ये ABCD है और ये 1 2 3 4 है तो इसके चार ऑप्शंस दे दें क्या कि A3 B2 C1, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं ये, बट दैट इज MRM मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें जो एक डाउट बच्चों का रहता है, मैं साथ साथ ही सारे डाउट्स क्यों बोल रहा हूँ, सो दैट वो डाउट तुम्हारा आगे ना रहे, कुछ नया डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे जो बच्चों का एक डाउट रहता है वो क्या होता है कि काफी बच्चों के आंसर पॉइंट्स में भी आते हैं, जैसे तुम्हारा 293.5 आ रहा है, हो सकता है कोई और बच्चा जब कैलकुलेटर पे करे तो 293.4 आंसर है। अब इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसका आंसर है ये दोनों सही होंगे। ACCA क्या करता है, वो जब यहाँ पे आंसर रेंज बताता है तो वो आंसर रेंज एक यहाँ पे लिख देता है कि 293 to 294, इसके बीच में अगर किसी ने कोई भी आंसर दिया है तो वो आंसर सही है, दूसरा गलत होगा। ये ACCA यहाँ पे डाल देता है। तो इसमें घबराना मत कि सर पॉइंट्स में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरा आ रहा है, किसी का अलग आ रहा है, बुक में अलग आ रहा है, तो मेरा आंसर गलत तो नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी जो BPP की बुक है, BPP की जो एग्जाम किट है, उसमें तुम्हारे को अगर बुक का आंसर 0.5 और तुमने 0.4 कर दिया तो वो इसको रॉन्ग बोल देंगे कि ये रॉन्ग आंसर है। तुम्हें उस चीज में बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पॉइंट्स वगैरह की होती है, इसमें मत घबराना। BPP में वो गलत हो सकता है लेकिन ACCA एग्जाम में वो चीज गलत नहीं।
इसमें तुम्हारे वही चार ऑप्शन है। दूसरा डाउट यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या आता है कि सर अगर हमें यहाँ पे चार ऑप्शन में से दो सिलेक्ट करने थे, एक सही है, एक हमने गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, तो क्या हमें इसके मार्क्स मिलेंगे? नो मार्क्स विल बी गिवन, मतलब यहाँ पे नो पार्शियल मार्क्स, यहाँ कोई पार्शियल मार्क्स नहीं है। सारे सही होंगे तो टू मार्क्स मिलेंगे, एक भी गलत हो गया तो तुम्हें जीरो मार्क्स मिलेंगे, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती। ये होते हैं हमारे फर्स्ट 35 क्वेश्चंस ऑफ टू मार्क्स ईच। दूसरे हमारे होते हैं टू क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। इसमें क्या होगा, तुम्हारे को एक ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, पूरा प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन, इसके आगे ऐसे बॉक्स बने होंगे और तुम्हारे को इन सब में जो भी फिगर होगी वो डालनी पड़ेगी। दीज आर बिग क्वेश्चंस, तुम्हें ये टाइप कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पूरा कहीं टाइप नहीं करना, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे अपनी फिगर्स लिखनी है। हो सकता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो कि इन चार में से एक सिलेक्ट करो, कुछ भी हो तुम्हें वो चीज यहाँ पे करनी है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे दो क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे 15 मार्क्स। इसमें तुम्हारे को पार्शियल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे पार्शियल मार्क्स अलाउड है कि अगर तुम्हारा एक गलत होगा एक सही होगा तो स्टेप मार्किंग होती है, यहां तुम्हें अपने मार्क्स मिल जाएंगे। जब तुम एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देते टाइम जैसे ही तुमने सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए और तुमने सबमिट का बटन प्रेस कर दिया, ऑन द स्पॉट तुम्हारे को रिजल्ट मिल जाएगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स है ऑन द स्पॉट। और उस रिजल्ट का तुम मोबाइल से पिक्चर क्लिक कर लेना, या अगर सेंटर पे हो यू कैन आस्क देम कि इसका प्रिंट आउट निकाल के तुम्हें दे दो एज अ प्रूफ। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है F3 के एग्जाम का, इतने मार्क्स का, 2 आवर्स का तुम्हारा ये पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये हमारे मार्क्स की बायफोकेशन है। तीसरा, ये जो बात है 70 मार्क्स के हैं, इनके क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, कोई रेंज नहीं है कि इस चैप्टर में से ज्यादा आएंगे, इस चैप्टर में से कम। हो सकता है तुम्हारे 1, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है 3 चैप्टर्स में से पूरा पेपर आ जाए, इसकी कोई बायफोकेशन नहीं, कोई बायफोकेशन नहीं। ये जो है इसमें से कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे 6-7 चैप्टर्स हैं जहां से हमारे ये क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ये है गाइस हमारा पूरा स्ट्रक्चर। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आई थिंक सिमरन के लिए तो वैसे इट्स नॉट वेरी यूजफुल, बट निरंजन, ताला, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इसमें हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उन चैप्टर्स में हमारे कौन कौन से सेक्शन ए और बी में कवर होते हैं। तो जो चैप्टर्स हमारे आते हैं गाइस, टोटल जो हमारे चैप्टर्स हैं 2026 चैप्टर्स हमारे होंगे। जो बच्चे कापलान से अगर पढ़ रहे होंगे, या जैसे सिमरन इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम कापलान तुम्हारे कॉलेज में, तो वहां पे जो चैप्टर्स की बायफोकेशन है वो अलग हो, थोड़े बहुत चैप्टर्स ऊपर नीचे होंगे, कई कंबाइंड होंगे, लेकिन सिलेबस सारा कवर्ड है। यहाँ 26 है, हो सकता है कापलान में 22 या 23। तो ये है हमारा पूरा इंटायर सिलेबस। इसमें अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन बी, क्योंकि ए सेक्शन तो कहीं से भी आ सकते हैं, बी सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो जनरली एक्सपेक्टेड होते हैं हमारे यहां से, इस चैप्टर के, इसमें से कभी कभार आ सकते हैं, इन चैप्टर के, इस चैप्टर में से और कभी कभार यहां से, इन चैप्टर्स में से। ये ज्यादा मेजर है, ये प्राइम है, फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी, इसमें से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने करने तीनों चैप्टर्स ही। एक बहुत अच्छी बात मैं तुम सबको बताता हूं, तुम F3 मुझसे पढ़ रहे हो, अगर तुम F7 करोगे तुम देखना ये सारे चैप्टर्स जो हैं इसमें से तुम्हारे 80% चैप्टर्स तुम्हारे F7 में कवर होंगे। अगर तुमने यहाँ पे चीजें कॉन्सेप्चुअली पढ़ ली तो तुम देखना F7 यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तुम्हारी कितनी हेल्प होने वाली है, कितनी ज्यादा हेल्प होने वाली है, वो सब्जेक्ट तुम्हारा मक्खन की तरह निकलेगा। और उसके बाद जो तुम्हारा फाइनल सब्जेक्ट आएगा प्रोफेशनल लेवल का, दैट इज SBR, वो भी तुम्हारे को चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, क्योंकि तुम्हारा बेस जो है ये बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ रट्टाफिकेशन नहीं करनी, जस्ट टू टेल यू सो दैट तुम्हारे को एक मोटिवेशन मिले। ये चैप्टर हमारा F7 में आएगा,
ये चैप्टर F7 में है, ये तो नॉर्मल अकाउंट्स का बेस है, ये F7 में है, ये F7 में है, ये F7 में है, ये F7 में है, उसके बाद तुम्हारा यहां से मैं बताता हूं, ये पूरा F7 में है, इसका एडवांस वर्जन है, ये तीनों हमारे F7 में है, इसका एडवांस वर्जन, ये F7 में है एडवांस वर्जन, और ये भी F7 में है तुम्हारा एडवांस वर्जन, और F7 में इसका पेपर क्वेश्चन हर बार आता है। तो तुम देखो F3 जो पूरा है वो तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड होगा F7 में, तो यहां कॉन्सेप्ट समझना तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये है गाइस हमारा कि F3 के सिलेबस में तुम्हारा क्या क्या है। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स है, ऐसा नहीं है कि सारा प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है सारा थ्योरी है, थ्योरी थोड़ी सी कम है, आई वुड से 70% तुम्हारा प्रैक्टिकल है यहाँ पे, और 30% जो तुम्हारा है वो थ्योरी है। थ्योरी के भी क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी यहाँ पे आएगी, रटाफिकेशन नहीं है, उनके आंसर तुम कॉन्सेप्चुअली दे सकते हो अगर तुमने वो टॉपिक अच्छे से समझा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो सब्जेक्ट है F3, इसमें तुम्हें पढ़ना क्या है, एक ओवरऑल क्रक्स इस सब्जेक्ट का, ताकि तुम्हारे को इस सब्जेक्ट का बेस पता चल जाए, ये सब्जेक्ट बना क्यों। सबसे पहले हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारा F1 है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, F2 है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F3 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट में है क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं सब्जेक्ट, उसी से हम उस सब्जेक्ट के बारे में आगे जान के और समझ सकते हैं। तो F3 गाइस क्या है सब्जेक्ट, इसका मैं तुम्हारे को बेस बताता हूँ। देखो अब जो हम बेस पढ़ रहे हैं गाइस, अभी आज हम चैप्टर फर्स्ट भी स्टार्ट करेंगे, वो बेस तुम्हारा देखना चैप्टर 1 में काफी हद तक कवर हो जाएगा, वो सारी चीजें तुम्हारी चैप्टर में वही चीजें लिखी होंगी जो मैं तुम्हारे को बेस यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बेस क्या है हमारा, ये हो तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, तुमने काम वगैरह शुरू कर दिया, सेल परचेज की ट्रांजेक्शन हो रही है, तुम चीजें परचेज कर रहे हो, सामान बना रहे हो, बेच रहे हो, पैसे आ रहे हैं, बैंक में जमा करा रहे हो, काफी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है तुम्हारी, सैलरीज पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, कहीं से कमीशन पे कर रहे हो, कहीं से कमीशन तुम्हें आ रहा है, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर गोइंग ऑन इन योर बिजनेस। अभी के लिए तुम्हारे को अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं, सो व्हाट यू विल डू, जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स तुम्हारे बिजनेस में हो रही है, एज अ गुड बिजनेसमैन व्हाट यू विल डू, यू विल राइट ऑल द ट्रांजेक्शन एज अ ले मैन इन योर कॉपी, या तो तुम रिकॉर्ड करोगे या तुम एक बंदा रख लोगे, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है भाई एक कॉपी में लिखता रहे कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है। जैसे मैंने भी अपना एक सेंटर सेटअप किया है, होपफुली बाय नेक्स्ट वीक तुम्हारे को जो क्लास का जो विजन होगा, विजुअल होगा, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से मिलेगा, मे बी वो मैं चेक करूंगा कौन सा तुम्हारे लिए बेटर है, कि जहां पे पीछे बड़ी स्क्रीन होगी, मैं खड़ा होकर तुम्हारे को पढ़ाऊंगा वो सारा, एक क्लास करके वहां से मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या है, I'll also see कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रेफरेबल है। तो पॉइंट इज कि ऐसे जो भी तुम्हारे बिजनेस के खर्चे होते हैं यू विल रिकॉर्ड एज लाइक इन अ लेमैन तरीका। तो तुमने सबने रिकॉर्ड कर लिया, एक साल निकल गया, अब एक साल निकलने के बाद तुम वैसे ही देखना चाहते हो कि मेरे पास बैंक में कितने पैसे बचे, तो तुम कैसे देखोगे, सीधा सीधा बैंक स्टेटमेंट निकाल के, अपना जो बैंक अकाउंट है गूगल पे, अपना जो बैंक है वो बैंक की लॉगिन करोगे, नेट बैंकिंग ओपन करोगे, वहां से अपना बैलेंस देख लोगे, चलो बैंक तो सॉर्ट हो गया। जिससे तुम क्रेडिट पे सामान परचेज करते थे, लेट से तुम्हारा कोई सप्लायर था, उस सप्लायर के लिए कितना बैलेंस है जो तुम्हें उस सप्लायर को देना है, वो कैसे निकालोगे, तुम कहोगे उसको कितने पैसे देने थे, इतने उससे पैसे मैंने सामान लिया था, इतना उससे सामान लिया था, इतना कैश मैंने दिया था, इतना डिस्काउंट, माइंड में सोचोगे। एक अच्छा बिजनेसमैन सब कुछ रिकॉर्ड करता है, तो वो यहां से हर ट्रांजेक्शन चेक करेगा कि कब उस सप्लायर से मैंने सामान परचेस किया था, कब उस सप्लायर को मैंने पेमेंट करी थी, वो यहां से चेक करके अपना बैलेंस निकालेगा, निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगी। ऐसे ही बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, हमें ये चेक करना है कि हमारे रिसीवेबल्स कितने हैं, कि अगर हम क्रेडिट पे सामान सेल करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिनसे हमें पैसे आने, तो कब कब किससे कितने कितने पैसे आने वो कैसे पता चलेगा, सेम ये चीजें करेंगे। उसके बाद एट द ईयर एंड मैं ये देखना चाहता हूं एज अ बिजनेसमैन मैंने कितना पैसा कमाया, तो मैं कैसे निकालूंगा मैंने कितना पैसा कमाया, मैं कहूंगा जो भी मेरे खर्चे थे,
जो भी मैंने पैसे कमाए इसमें से ढूंढ के प्लस माइनस करेंगे। तो ये जो काम है ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी, एक लड़का इन्हीं कामों में लगा रहेगा ये चीज करने में। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए बने हमारे अकाउंट्स, यानी इसको मैं बोलता हूं अकाउंटिंग। ये जो पार्ट होता है इसको यू कैन कॉल इट बुक कीपिंग, कि हम एक लेमन लैंग्वेज में सारी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस की होती हैं उसको हम लेमन लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग और कुछ नहीं है, ये सिंपल हमारी कोडिंग है, सिंपल हमारी कोडिंग है। तुमने देखा होगा आजकल जो वेबसाइट्स बनती हैं उनके काफी कोडिंग्स होती है, HTML ये सारे कोड्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऐप डेवलपर्स होते हैं, इनकी कोडिंग होती है ना काफी चीजों की। ऐसे ही अकाउंटिंग के लिए भी हमारी कोडिंग होती है। कोडिंग क्या होती है? इन सारी ट्रांजैक्शंस को हम किसी एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन तो यही है, तो हम हर ट्रांजैक्शन को एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज द जर्नल एंट्री दैट यू विल डू। 11 से बिल्कुल लिंक मत करना, वहां हमारा फॉर्मूला होता है दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। 11 से कोई लिंक नहीं करना, डेबिट दिस क्रेडिट दिस, इस तरह से हम हर ट्रांजैक्शन को कोड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट। अब डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए, इसको जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट कोई लॉजिक से नहीं बने हैं। दीज आर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ लॉजिक, ये क्रिएट हुए हैं आउट ऑफ फॉर्मुलेस, आउट ऑफ रूल्स। हम बोलते हैं एच प्लस ओ टू, तो ये क्या बनेगा, एच टू ओ, ये हमारा बनता है H2O। ये किस चीज से बना है? ये कोई कॉन्सेप्चुअल है कि H plus O2 H2O होगा। तो H2O टर्म कहां से आई है? ये रूल्स बेस से आई है। ऐसे ही अकाउंट्स के जो होते हैं, दीज आर रूल्स। सबसे पहले हम अकाउंट्स में लर्न करेंगे अपने रूल्स, वो तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे हमें अच्छे से लर्न करना है कॉन्सेप्चुअली। रूल्स लर्न करेंगे, रूल्स पढ़ने के बाद देन हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या डेबिट होना चाहिए, क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए, वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे थ्रू आवर रूल्स। ये मैं रूल्स में सारे बताऊंगा कि क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट। ऐसे करके हम सारी ट्रांजैक्शंस को, हर ट्रांजैक्शन का एक, इसको बोला जाता है जर्नल एंट्री। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब की हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब तुम सोचोगे कि सर जर्नल एंट्री तो हमने कर ली, इस जर्नल एंट्री को करने का फायदा क्या हुआ? अभी भी हमें अगर कोई सप्लायर देखना है तो हम या तो यहां से देखेंगे या फिर यहां से समझना पड़ेगा कि सप्लायर की एंट्री कौन सी। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा बनता है एक लेजर। अब लेजर क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ कोडिंग, के एक टी शेप फॉर्मेट बनता है। इसमें जो डेबिट हो रहा है वो यहां आएगा, क्रेडिट हो रहा है वो यहां आएगा। ऐसे करके हमारी सिर्फ और सिर्फ चीजें यहां से वहां जाएंगी थ्रू कोडिंग, कि कौन सी चीज कहां जाएगी वो कोड करके हमारा बनता है एक लेजर। ये कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल नहीं है, ये सारा कोडिंग के थ्रू, रूल्स के थ्रू है। लेजर बनने के हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर अकाउंट का क्या बैलेंस है, वो सब कुछ मैं डिटेल में तुम्हें आगे बताऊंगा। ये बनता है हमारा लेजर। लेजर बनने के बाद हमारा बनता है एक TB, दैट इज ट्रायल बैलेंस। दिस इज ऑल्सो थ्रू कोडिंग। ट्रायल बैलेंस में हमें पता चलता है कि कितना किस किस का क्या क्या बैलेंस है। वहां पे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि बैंक का कितना बैलेंस है, सप्लायर का कितना बैलेंस है, रिसीवेबल का कितना बैलेंस है, कितना प्रॉफिट है, कितना कुछ है, वो सब कुछ तुम्हें ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद हम बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमारी तीन चीजें बनती हैं। एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको, जो कॉमर्स में बच्चे पढ़े हुए हैं उसको बोलते हैं बैलेंस शीट, यहां पे भी कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये जो अकाउंट्स का पूरा प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया है, इसका होल पर्पस क्या हुआ, अब तुम समझो इसका होल पर्पस क्या हुआ। आई एम दी ओनर, मुझे ये जानना है कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, मुझे किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे आने हैं, मैंने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा उड़ाया, सब कुछ मुझे चेक करने है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल हायर अकाउंटेंट, उसको मैं बोलूंगा जितनी भी मैंने लेमन लैंग्वेज में ट्रांजेक्शन लिखी है उनके बेस पे मुझे फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दे कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अब इसमें क्या क्या आता है वो हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मुझे निकाल के दे और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें करके दे। ये अल्टीमेट काम होता है हमारा अकाउंटिंग का। तो जो अकाउंटेंट होगा, जो हमारा अकाउंटेंट होगा, उसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है कि बेकार चल रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका सिंपल मतलब है जो ट्रांजेक्शन हुई है इन ट्रांजेक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करके अल्टीमेट जो स्टेटमेंट है ये बना के यूजर यानी कि ओनर को देना, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज योर F3, दिस इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज योर F3। ये पूरा हमारा F3 का बेस है, हमें इस सब्जेक्ट में यही पढ़ना है। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो टर्म्स होते हैं एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम वो सारे क्या होते हैं, टर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद अब अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर। उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे होती है वो पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस से ये कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। ये तीनों हमारे चैप्टर्स अलग अलग हैं। उसके बाद और थोड़े बहुत चैप्टर्स यहाँ पे हमारे ऐड होते रहेंगे कि हमने जर्नल एंट्रीज करी थी, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई उसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे आएगा स्टॉक, स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करना है, एसेट्स, एसेट को डेप्रिसिएशन, वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, कोई फास्ट नहीं है ये, लेकिन हमारा है इस चैप्टर का बेस, दिस इज योर F3 का सब्जेक्ट। इस कॉन्सेप्ट में किसी भी बच्चे को कोई डाउट? निरंजन, तुम्हें थोड़ा समझ आया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड सो यू शुड नो कि क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या करना है हमें इस सब्जेक्ट में? नहीं सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा आना चाहिए, ठीक है। वो अभी नहीं सर, कॉन्फिडेंट आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। अभी तो एक तुम्हें मैंने ओवरव्यू दिया है। चलो अब इस सब्जेक्ट में हमारी पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पूरे जो हमारे अकाउंट्स होते हैं कंप्लीट अकाउंट्स, इसमें हमारी 5 टर्म्स होती हैं, दैट आर द मेजर टर्म एंड ओनली टर्म जिसपे पूरा हमारा अकाउंट घूमता है। 5 टर्म्स होती है हमारी, वो 5 टर्म्स हमारी क्या होती है। अच्छा गाइस, एक छोटी सी चीज, सबको मेरी स्क्रीन ठीक से दिख रही है? ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन ब्लर हो रही है, कुछ हो रही है? सर कभी कभार होती है। क्या कह रहे हो ताला? सर कभी कभार ब्लर हो रही है, कभी कभार ब्लर हो रही है। निरंजन एंड सिमरन तुम बताओ, क्या तुम्हारी भी ब्लर हो रही है? सेम सर, सेम सर, सेम। यस सर। अच्छा, मे बी हो सकता है थोड़ी इंटरनेट की स्पीड का हो, इंटरनेट स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है ना, उससे ब्लर हो। अगर कोई टॉपिक या कुछ चीज तुम्हें ना दिखे ना तो प्लीज मुझे साथ साथ बता देना कि सर वो ठीक से विजन क्लियर नहीं था, तो हमें बता दो, मैं साथ ही करा दूंगा। तो सबसे पहला हमारा आता है, दैट इज टर्म एसेट्स। सेकेंड हमारा आता है टर्म लायबिलिटीज। तीसरी टर्म हमारी आती है एक्सपेंसेस। फोर्थ टर्म आती है हमारी इनकम, और फिफ्थ टर्म हमारी आती है इक्विटी, और वी कॉल इट कैपिटल। ये पूरी 5 टर्म्स में हमारा पूरा जो अकाउंट्स है वो हमारा सिचुएटेड, इन्हीं 5 टर्म्स में हमारा पूरा अकाउंट चलता है। इसके अलावा कोई टर्म तुम्हें नहीं मिलेगी कि कोई भी चीज हो, या तो वो एसेट होगा या लायबिलिटी या एक्सपेंस या इनकम, और इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी। सो एसेट्स क्या होते हैं, ये 5 अच्छे से समझना कॉन्सेप्चुअली, फिर जब चैप्टर पढ़ेंगे तुम्हें इसकी थ्योरी लर्न हो जाएगी और मैं बता दूंगा वहां पे क्या चीज तुम्हें लर्न करनी है। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स आर
समथिंग दैट वी ओन, हम उस वी आर ओनर ऑफ दैट थिंग, हम उसको ओन करते हैं, वो चीज हमारी है. इट इज यूज्ड इन बिजनेस, वो जो चीज है वो हमारी अपनी है, हमने खुद परचेज किया, मतलब बिजनेस के नाम से वो बिजनेस के अंदर यूज हो रही है, दैट इज बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस. वी हैव अल्टीमेट कंट्रोल ऑन दैट एसेट, के उस एसेट पे हमारा अल्टीमेट कंट्रोल है, भाई हम ओन करते हैं, जैसे हमें जहां शिफ्ट करना है वहां शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मॉडिफाई करना है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज आवर एसेट्स. ऑन अदर साइड अगर तुम देखो, जब हम कुछ पैसे देते हैं, जैसे मैंने एक कार परचेज करनी है, तो आई विल पे मनी एंड आई विल गेट कार, मतलब अगर मैं पे करूंगा तो मुझे समथिंग इन रिटर्न मिलेगा जो मेरा अपना होगा, जिसको मैं बिजनेस में यूज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड माय एसेट. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग, कार, मशीन, फर्नीचर, ये होते हैं हमारे एसेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे दूसरे एसेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कैश, मेरे पास बिजनेस में कैश रखा हुआ है मेरे पास, वो भी मेरी अपनी चीज है, दैट इज ऑल्सो एसेट. बैंक बैलेंस, मेरे बिजनेस का इतना बैंक बैलेंस है, जो बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, दैट इज ऑल्सो एन एसेट. एक हमारी टर्म यहां पे आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसीवेबल्स. अब रिसीवेबल्स क्या होते हैं, रिसीवेबल्स आर क्रेडिट सेल्स, वो लोग जिनको हमने सामान क्रेडिट पे सेल किया हुआ है, वो लोग जिनको हमने सामान क्रेडिट पे सेल किया हुआ है, हमें उनसे पैसे आने हैं, तो वो भी तुम्हारे अपने पैसे हैं, उनसे तुम्हें पैसे आने हैं, मे बी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, दोज आर ऑल्सो योर एसेट्स. तो एसेट में क्या क्या आएगा, तुम्हारा बिल्डिंग, कार, मशीन, फर्नीचर, तुम्हारा बिजनेस का स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स के तुमने किसी को उधारी पे सेल किए थे उससे तुम्हें पैसे आने, ये होते हैं तुम्हारे सारे एसेट्स. ठीक है, तो एक तो तुम्हारी अपनी चीज होगी, और दूसरा व्हेन यू पे यू गेट समथिंग इन रिटर्न, अगर हम कैश देते हैं तो हमें बिल्डिंग, कार, मशीन, स्टॉक मिलता है, ये होता है हमारा एसेट. अब बात आती है एक्सपेंस क्या होता है. एक्सपेंसेस When we pay, जब हम पे करते हैं, या we pay for services we don't get some asset in return. अभी सिर्फ समझना है, ठीक है. निरंजन तुम बाद में लिख लेना इस चीज को, अभी तुम्हें लिखना नहीं है. सिमरन एंड ताला तुम्हें सिर्फ समझना, बिकॉज तुमने ऑलरेडी अकाउंट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो यू डोंट नीड टू राइट. निरंजन तुम चाहो तो इसको एक बार लिख लेना, बट अभी नहीं, बाद में जब मैं बोलूं. ओके सर. ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जब हम पे करते हैं किसी चीज के लिए, तो हमें कोई एसेट इन रिटर्न नहीं मिलता, हमें कुछ सर्विसेज मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करे, हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करे, ये सारे होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, खर्चे बोला जाता है. अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं, इसको देसी भाषा में वी कैन नॉट से या वी विल नॉट से कि ये हमारा खर्चा है. अगर मैंने कार परचेज किया, मैं नहीं करूंगा खर्चा, मैं कह दूंगा पैसे दिए हैं और कार मिली है मेरे. लेकिन अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं, तो ये मेरा प्योर खर्चा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं मिल रही जो मेरी अपनी है. अगर मैं प्रॉपर्टी भी रेंट पे लेता हूं, तो वो चीज प्रॉपर्टी मेरी अपनी नहीं हुई, आई डोंट ओन इट, मैं उसका ओनर नहीं हूं, मैं सिर्फ उसको उस पीरियड के लिए यूज कर सकता हूं. तो ये होते हैं हमारे एक्सपेंसेस. तो यू शुड ऑल नो कि एसेट्स और एक्सपेंस के बीच में डिफरेंस क्या है. अब इनके डेफिनेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेशन चुटकियों में समझ आ जाएगी.
ठीक है। तो एसेट्स मतलब जब हम पे करते हैं हमें इन रिटर्न कुछ मिलता है जिसके हम ओनर हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम बिजनेस में उसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, कार, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स यानी क्रेडिट से। एक्सपेंसेस व्हेन वी पे, उसके अगेंस्ट हमारे को टेंजिबल कुछ नहीं मिलता, एज इन लाइक हमारा कोई एसेट नहीं बनता बिजनेस का जिसको हम ओन करते हैं, लाइक सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, ये होंगे हमारे एक्सपेंसेस। अभी एक इसमें एक्सेप्शन आती है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अब बात करते हैं हम लाइबिलिटीज की, कि लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटीज आर सम अमाउंट वी नीड टू पे इन फ्यूचर लाइक लोन, कि हमने कोई अमाउंट फ्यूचर में किसी को पे करना है, जैसे हमने कोई लोन लिया हुआ है, हमने आज लोन लिया हुआ है, वो लोन हमें 6 साल बाद पे करना है, तो वो लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज लाइबिलिटी। ठीक है, सो लाइबिलिटी मींस जो भी पैसे हमें किसी भी पर्सन को देने हैं उसको बोला जाता है लाइबिलिटी। दे दिए नहीं, अगर मैं कहता हूं कि मैंने जैसे सैलरी पे करनी थी तो वो मेरी लाइबिलिटी होगी, नहीं, सैलरी पे करनी, तुमने सैलरी पे करनी थी, आज पे कर दी, खत्म, दैट इज नॉट योर लाइबिलिटी। हाँ, तुमने 1 साल से सैलरी पे नहीं करी तो यू हैव टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर, आज नहीं पे कर रहे, फ्यूचर में तुम्हें पे करनी है, तो आज की रेट में वो तुम्हारी लाइबिलिटी हो जाएगी कि तुम्हें इन फ्यूचर वो अमाउंट पे करना है, तो दैट इज योर लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में भी हमारी एक टर्म आती है, दैट इज पी ए वाई ए बी एल ई एस, पेबल्स। जैसे रिसीवेबल्स वैसे ही पेबल्स। पेबल्स कौन होते हैं? क्रेडिट परचेज। पेबल्स कौन होंगे? हम जब सामान परचेज करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, तो कभी कभार हम सामान कैश में परचेज करते हैं, कभी कभार हम सामान उधारी पे परचेज करते हैं। तो जिनसे हमने बिजनेस का स्टॉक, जिनसे हमने बिजनेस का स्टॉक, जैसे मैं डील जिस चीज में हम करते हैं, जैसे अगर मैं फर्नीचर में डील करता हूँ या मैं बुक्स में डील करता हूँ, तो जिनसे मैंने वो बुक्स क्रेडिट पे ली थी, उधारी पे ली थी, जिनको मुझे वो पैसे देने हैं, दोज विल बी कॉल्ड एज पेबल। जो स्टॉक, अगर मैं एसेट की बात करूं, बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग में डील नहीं करता, मैंने अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग ली हुई जिसमें मैं काम कर, मैं बिल्डिंग में डील नहीं करता हूं, तो बिल्डिंग के लिए जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज लोन। लेकिन अगर जिस चीज में मैं डील करता हूं, जैसे बुक्स वगैरह हो गया, उसके लिए मैंने क्रेडिट पे बुक्स परचेज की थी जो मुझे किसी को वापस करनी है, सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पेबल। तो दैट इज अ लायबिलिटी कि मुझे इन फ्यूचर उनको पैसे देने। अब इनकम क्या होती है? इनकम मींस अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट अर्न्ड नॉट टू बी पेड बैक कैन बी यूज्ड एनीवेयर। अब लोन क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है? मुझे कहीं से पैसे आए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, अब जैसे मैंने अपना सेंटर स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली मेरा सेंटर स्टार्ट होने वाला है जो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, तो सेंटर बनाने के लिए मैंने किसी से लोन लिया था, तो मेरे पास पैसे आए, बट मुझे वो पैसे किसी को वापस करने हैं क्योंकि मैंने किसी से उधारी पे लिए हुए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज लायबिलिटी। दूसरा तरीका क्या होता है कि मुझे पैसे तुमसे आए हैं, तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, तुमसे मुझे फीस आई है, वो फीस मुझे तुम्हें वापस नहीं करनी है, दैट फीस विल बी कॉल्ड एज इनकम फॉर मी, कि वो पैसे मैंने कमाए। तो दो जगह से हमारे पास पैसे आते हैं, एक होता है लोन के तरीके से जो हमें वापस करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज लायबिलिटी, एक होता है पैसा हमारे पास आया है एज इनकम, कि ये हमारा पैसा है, इसको हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, दैट इज लाइक आवर इनकम। और जब हम पे करते हैं, दो तरीके से हम पे करते हैं, एक तरीका वो है जब हम पे करते हैं तो हमारे को कोई एसेट मिलता है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एसेट। दूसरा है जब हम पे करते हैं तो हमारे को कुछ एसेट नहीं मिलता, सिर्फ हमारे को कुछ सर्विसेज मिलती हैं, दैट इज एक्सपेंसेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। ये मेजर चार टर्म्स हमारे बिजनेस में है, अच्छे से इन चारों टर्म्स को देख लो, अच्छे से इनको समझ लो, ठीक है, अच्छे से इनको लर्न कर लो। एंड निरंजन, अगर तुम्हें समझ आ गया तो ठीक है, लगता है तो यू कैन ऑल्सो राइट इन योर कॉपी।
तुम इसको कॉपी में अपने लिख भी सकते हो. ओके, या व्हाट आई विल डू फॉर बेटर योर बेटरमेंट, आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. मैं तुम्हारे साथ आफ्टर द क्लास ये स्क्रीनशॉट शेयर कर लूंगा, तो चाहे अभी मत लिखो इस चीज को, जस्ट टेक 5 मिनट्स, इस पूरे को अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ इक्विटी कैपिटल क्या होती है, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. आज की क्लास में विल ट्राई कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए. अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं इसके डाउट लूंगा, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. पढ़ लिया गाइस सबने? यस सर. यस सर. कोई डाउट इस टॉपिक में किसी को? नो सर. नो सर. नो सर. क्या? अब जो नेक्स्ट आता है हमारा टर्म, दैट इज इक्विटी और कैपिटल, और उसके बाद वी विल स्टार्ट द चैप्टर. अब बात आती है इक्विटी और वी कॉल इट कैपिटल. अब देखो गाइस, ये हमारा एक बिजनेस है, तो मैं पहले पीछे से वो ठीक करता हूं. ये है हमारा बिजनेस. बिजनेस में पैसे दो टाइप से लग सकते हैं. That is, या तो पैसा बिजनेस में ओनर अपनी पॉकेट से लगाएगा, या फिर ओनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी या बैंक से
लोन लेके लगाया था। तो या तो ओनर अपनी पॉकेट से पैसे लगाएगा या फिर ओनर थर्ड पार्टी से लोन लेके बैंक में पैसे लगाएगा, तो बिजनेस में सॉरी पैसे लगाएगा। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं गाइस, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे अभी आगे, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, हम इसकी पर्सनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग ओनर्स पर्सनल अकाउंटिंग, हम बिजनेस की पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारे को ओनर से कोई रिलेशन नहीं है, हमारे को बिजनेस से मतलब है। तो बिजनेस की जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें पता चला कि बिजनेस में एक तो ओनर ने अपनी पॉकेट से पैसा लगाया हुआ है, एक बाहर वालों से पैसा आया हुआ बिजनेस में, तो जो पैसा बाहर वालों से आया हुआ है उसको तो हमने पढ़ा कि उसको तो हम लोन या उसको मैं बोलता हूं उसको तो हम बोलते हैं लायबिलिटी, कि हमें बाहर वालों को पैसे देने हैं। लेकिन ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो भी तो कभी ना कभी तो ओनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, बिजनेस में खुद का तो पैसा कोई नहीं है, या तो पैसा ओनर लगाता है या बाहर से पैसा आता है। मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूंगा ऐसा थोड़ी कि बिजनेस के बाद अपना कोई पैसा होगा, या तो मैं डालूंगा या कहीं और से लोन लूंगा। तो अगर मैं अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूं दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर बिजनेस, कि वो पूछे पैसे बिजनेस ने ओनर को वापस करने हैं, लेकिन वो पैसा ओनर का है किसी बाहर वाले का नहीं है, उसको हम टर्म बोल देते हैं इक्विटी। सो इक्विटी मींस जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ है दैट इज इक्विटी, जो बाहर वाले बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको लायबिलिटी, और दूसरी टर्म होती है डेट, उसको हम डेट भी बोल सकते हैं। तो ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया होता है दैट इज लाइक इक्विटी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जो तुम्हारी काफी हेल्प करेगा, एक बात मैं तुमसे पूछूंगा, अगर हम कहीं से लोन लेते हैं तो वो तो ठीक है कि हमें वो लोन रीपे करना है, लोन के साथ हम इस पर्सन को क्या चीज और देते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, परफेक्ट। हम जब किसी से लोन लेंगे तो लोन के साथ हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस जो है वो थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट पे करता है, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जब ओनर बिजनेस में पैसे डालता है, ओनर पैसे कमाता है, तो ओनर को बिजनेस क्या देगा? जो पैसा बाहर वालों का है उस पे तो इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब तुम एक ओनर हो, ठीक है, तुम एक ओनर हो, तुम किसी बिजनेस में पैसे लगाते हो, ठीक है, तुम किसी बिजनेस में पैसे लगाते हो, यू हैव अ एक्सपेक्टेशन, तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो, बिजनेस में पैसा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि वहां से तुम्हें कुछ मिलेगा, ये थोड़ी है वो पैसा का सारा बिजनेस रख ले, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। तो यू ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस तुम्हारे को प्रॉफिट कमा के देगा। जो भी प्रॉफिट बिजनेस कमाता है वो प्रॉफिट बिजनेस के नहीं होते, वो प्रॉफिट पे राइट होता है ओनर का, कि ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए थे। तो ये भी काफी डाउट होते हैं बच्चों का अकाउंट्स में, बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं ये कि सर जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों होता है, वो तो बिजनेस का एसेट होना चाहिए कि बिजनेस का पैसा है, वो बिजनेस का पैसा नहीं है। वो बिजनेस में जिस बंदे ने पैसा लगाया था, बाहर वालों ने पैसा लगाया था, उनको तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ओनर ने जो पैसा लगाया था तो जितना भी प्रॉफिट्स है वो ओनर को मिलता है, और जो भी लॉसेस होते हैं बिजनेस में वो भी ओनर को बियर करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी से कि ओनर जो है वो काफी रिस्की सिचुएशन में होते हैं। अगर बिजनेस ने पैसे कमाए तो बहुत पैसे उसको मिलेंगे, कमाई हो जाएगी, और अगर लॉस हुआ तो उसको अपनी जेब से लॉस बियर करना पड़ेगा। लेकिन इनको कोई लॉस नहीं होता, इन्होंने पैसा दे दिया, इनको तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। बिजनेस अगर इनको इंटरेस्ट ना दे तो बिजनेस बंद हो जाएगा या फिर इनके एसेट्स बिक जाएंगे, इनको तो इंटरेस्ट मिलना मिलना है। ओनर की सिचुएशन जो है वो काफी रिस्की होती है कि अगर बिजनेस ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो इस बेचारे की कोई कमाई नहीं होती, और अगर बिजनेस ने बहुत पैसे कमाए तो इसकी बहुत कमाई हो जाती है। दैट्स व्हाई ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और इंटरेस्ट भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी, काइंड ऑफ एक्सपेंस। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर चलता है गाइस। ये तीनों को क्लियर है? यस सर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने का टाइम है, तो लेट स्टार्ट द थ्योरी। अब तुम्हें मैंने प्रैक्टिकली चीजें बता दी, अब तुम देखना थ्योरेटिकली कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए पढ़ना। तो यहाँ पे जब तुम पहला चैप्टर देखोगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, उस चैप्टर के साथ आता है उसका चैप्टर ओवरव्यू, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। वी विल स्टार्ट यहां से।
अब मैंने तुम्हें बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग करना, और जो लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, वो बना के ओनर को देना, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। वो बना के ओनर को देना दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग, बनाना दैट मीन्स कॉल्ड अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? Financial reporting is a way of recording, analyzing and summarizing transactions of a business. कि जितने भी business में transaction हुई थी, इनको record करना, journal entry बनाना, analyze करना, ledger वगैरह बनाना, ratios वगैरह वो हम आगे पढ़ेंगे, then summarize करना, trial balance बनाना, और फिर statement of financial position, statement of profit and loss, summarize बना के owner को दे देना, that is called financial reporting. ठीक है, सिंपल ये टर्म है, ये तुम्हारे को एक बार एक दो बार पढ़नी है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसे ही लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी टर्म्स आती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं इनका, उसके बाद फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। मैं सीधा ऐसा नहीं है थ्योरी पढ़ा के तुम्हें लर्न कराऊंगा, नहीं, मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा दोनों का मतलब, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्या वर्डिंग है वो भी तुम्हारे को क्लियर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हें मैंने अभी बताई थी क्या होती है, पूरा कि अकाउंट्स का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, अकाउंट्स बनाना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो सारा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि जो भी बुक कीपिंग होती है, जो भी बुक्स ओनर बनाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ये प्रॉपर अकाउंट्स में। That is financial accounting. इसको कोई relation नहीं है कि business में profit हुआ है, loss हुआ है, क्यों loss हुआ है, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं है इसको। That is normal financial accounting. अब management accounting क्या होती है? Management accounting is जो तुम्हारा subject है F2, ये तुम्हारा पूरा subject है F2 management accounting MA. इस subject में क्या होगा? जो accounts ये बने हैं, जो financial accountant ने accounts बनाए हैं, ये उन accounts को पकड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स को चेक करेगा कि कॉम्पिटिटर्स के अकाउंट कैसे चल रहे हैं, अपने बजट्स देखेगा कि हमने सोचा था इस साल इतनी सेल होनी चाहिए, उससे कंपेयर करेगा एक्चुअली कितनी सेल हुई है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का काम क्या है? मैनेज करना, चीजों को ठीक करना। वो ये देखेंगे हमने कितने, हमारे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट कमाया, हमने क्या सोचा था क्या प्रॉफिट हमारा होना चाहिए, इस साल हमारे क्या टारगेट्स हैं, क्या हमने बजट बनाए थे, क्यों वो अचीव नहीं हुआ, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, कॉम्पिटिटर इतना प्रॉफिट कमा रहा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम। सो दैट वर्क इज डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट तुमने काफी सारी मूवीज में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक टेबल होती है या बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एंड दे ऑलवेज मंथ एंड में यहाँ एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है, ये कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारी सेल्स बढ़ गई, सेल्स कम हो गई, क्यों कम हो गई, क्यों बढ़ गई। देखे ना मूवीज में ऐसी चीजें बहुत होती है। दैट थिंग इज डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वो अपनी कंपनी में जो काम चल रहा है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि काम कैसे चल रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसको ठीक करना है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा एक और आता है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये भी तुम्हारा F2 में है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में यह देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। या तुम अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो तुम किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल करोगे, वो प्राइस देखने के लिए सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो तुम वो कॉस्ट एनालाइज करोगे हर तरीके से, उसके बाद तुम बताओगे उसको किस प्राइस पे सेल करना है। तुम कहोगे सर कॉस्ट निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या चीज है। अगर लेट से मैं मोबाइल फोन बना रहा हूँ तो जितना उस मोबाइल फोन में मशीन वो लगा, चिपसेट लगा, स्क्रीन लगी, ये लगा, वो लगा, जितना भी कैमरा लगा, सब कुछ का टोटल देख लूंगा मुझे क्या प्राइस पड़ रहा है, क्या बड़ी बात है, सिंपल तो है। मैं कहूंगा ये चीज तुम्हारी ठीक है, तुमने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो वो रेंट भी तो तुम यहाँ पे ऐड करोगे ना किसी तरीके से। तुमने अगर फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो वो रेंट का खर्चा भी तो यहाँ से इंक्लूड करोगे ना, या रेंट अपनी पॉकेट से पे करोगे। तुमने तो फैक्ट्री के रेंट, तुम्हारा फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तुम सेल्स का खर्चा कर रहे हो, तुमने अकाउंटेंट रखा हुआ है,
उसका पैसा यहाँ से कैसे देखोगे? तो वो सारी कॉस्ट हमारी यहाँ पे इंक्लूड होती है, उनको देख के हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं कि किस कॉस्ट पे हमें प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, देन उसमें प्रॉफिट ऐड किया जाता है, तो उस प्रॉफिट के बाद उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। ये सारा तुम्हारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो तुमने F2 में पढ़ना है। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है F2, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। F3 भी इंटरेस्टिंग है, बट F3 थोड़ा सा एक मोनोटोनस है इन द सेंस कि फॉर्मेटिंग के बेस पे चलता है, रूल्स के बेस पे चलता है। F2 बहुत अच्छा है, इसमें मैथ्स भी आएगी, बजट्स भी आएंगे, कंपटीशन से कंपैरिजन भी आएगा, ये सारी चीजें भी आएंगी, कॉस्ट निकालना भी आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, किस बंदे का काम ज्यादा है कंपनी में, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का या फाइनेंशियल अकाउंटेंट का? तीनों मुझे बताना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले जो होते हैं सबसे ज्यादा काम बिजनेस में उनका होता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो सिर्फ बुक्स बनानी है, दैट्स इट, ओनर को दे दो खत्म, और कुछ नहीं करना। इनका बेचारों का बहुत काम होता है, हर महीने मीटिंग करो, डिस्कशन करो, ये काम होता है। ये सेम चीज तुम्हारे को जब तुम अपना चैप्टर पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फर्स्ट चैप्टर, ये सेम चीज तुम्हें वहां पे भी मिलेगी। चलो अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। सो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, मैं पूरी वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो सारा पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली अ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट प्राइमरीली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन towards more efficient running of business, कि business कैसे अच्छा चल सकता है उससे कोई मतलब नहीं है इसका। इसका सिर्फ काम है रिपोर्ट करो, बनाओ और रिपोर्ट करो। although financial accounts are of interest to management, ये जो books है ये management के interest में होंगी, but वो काम management accounting का है, वो financial accounting का नहीं है। financial accounting provides historical information, ये छोटी छोटी चीजें guys तुम्हारी objective questions में cover होती हैं। ये मत सोचना कि सर ये तो इसमें क्या मुश्किल है, तो पढ़ने की भी क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट आपने बता दिया। ये एक एक चीज तुम्हारी, तुम देखना जब तुम एग्जाम के क्वेश्चंस करोगे या एग्जाम देने जाओगे वहां पूछी जाएगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन या फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है कि जो ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है हम उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम फ्यूचरिस्टिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि 2 महीने बाद हमें पैसे देने हैं तो 2 महीने बाद की ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड कर लो, वो हम नहीं करते, ठीक है। फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग ऑलवेज रिकॉर्ड ओनली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट और कॉस्ट, देखो इन्होंने मैनेजमेंट और कॉस्ट बोला हुआ है, इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच एनालाइजेस द डेटा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज अ बेसिस फॉर मैनेजरियल एक्शन। The concern of management accounting is to present accounting information in most helpful way to the management. कि management accountant का काम क्या होता है? Company की management को इस तरीके से information देना कि वो उस information से decisions ले सके, competition ये सब कुछ compare करके आगे के decision ले सकेंगे कैसे चीजों को ठीक करें। So the information need of management go far beyond जो खाली accounts को चाहिए होते हैं। Managers have responsibility of planning and controlling the resources of business. Therefore, they need much more detailed information. They also need a plan for the future. That's why management accounting is used. इन दोनों के बीच में difference जो है वो तुम सबको crystal clear है? Yes, sir. Yes. Yes. चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें होती हैं, एक आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम SOPLB बोलते हैं शॉर्ट में, काफी जगह पे लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हालांकि ये चीज हमें आगे पढ़नी है तो मैं यहां तुम्हें इसका फॉर्मेट नहीं दिखाऊंगा, वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, बस ये वैसे ही बता रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, इसमें हम सारे अपने एक्सपेंसेस और सारी अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमने ईयर एंड पे कितना पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ये होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे मैंने इनकम बताया वैसी टर्म होती है हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड
बाय द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड. फॉर अ पीरियड मतलब जैसे 12 मंथ्स. कि मैंने देखा कि इस एक साल में हमने कितना पैसा कमाया. मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मैंने पिछले 25 सालों में आज तक कितने पैसे कमाए, 25 से लेके आज तक नहीं. हमेशा एक पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, कि उस पीरियड में मैंने कितने पैसे कमाए. तो हर 12 महीने बाद मैं देखता हूँ, जैसे अकाउंटिंग एक हमारा होता है कैलेंडर ईयर, दैट इज 1st Jan to 31st December, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1st April to 31st March. ACCA में कोई ईयर फिक्स नहीं है, बहुत सारी कंपनीज के अकाउंटिंग ईयर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो ये मत सोचना कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर होते हैं, सबके अलग अलग होंगे, बट पीरियड इज 12 मंथ्स. 12 महीने के लिए बुक्स देखी जाती है कि 12 महीने के लिए हमने कितना पैसा कमाया, दैट इज रेवेन्यू. इस 12 महीने में हमने कितने एक्सपेंसेस करे, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस इन द सेम पीरियड, कि उन 12 महीनों में मैंने कितना खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस. ठीक है, अब इसमें ये जो है ये है लेमैन रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये जो है दैट इज लेमैन. हमारा जो ACCA की टर्म है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, ये हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है. इनके अकॉर्डिंग इनकम की डेफिनेशन क्या है, ये तुम्हारे को पढ़ के लर्न करनी है. एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ इन चारों में से विच इनकम, विच डेफिनेशन इज द बेस्ट सूटेड फॉर इनकम. तो वो क्या करेंगे, एक में इतना लिख देंगे, एक में पूरा लिख देंगे. तो तुम्हें देख के लगेगा कि पहली वाली सही है, लेकिन सारी पढ़ना, बेस्ट मतलब कि पूरा आंसर क्या है. तो इनकम क्या होता है, इनकम इंक्रीजेज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी. ये भी छोड़ देना, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इनकम एसेट कैसे बढ़ाता है, लाइबिलिटी कैसे कम करता है, ये छोड़ देना. इनकम इंक्रीज द एसेट और डिक्रीज द लाइबिलिटी दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इक्विटी और अदर देन दो. एक काम करो, इनकम को भी छोड़ ही दो, ये डेफिनेशन आगे आएगी. मैं नहीं चाहता तुम कंफ्यूज हो कि डेबिट क्रेडिट भी है इसमें, इसको छोड़ दो. ये बस तुम्हें दिखाने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा हमारा फॉर्मेट क्या होता है. ये आएगी सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब हमें पढ़ना है, फॉर्मुलेस कैसे आते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, कोई और इनकम हमने कमाई है, कुछ और इनकम हमने कमाई है, ये सारे खर्चे. एंड में पता चलेगा कि हमने कितना पैसा उस पीरियड में, उस 12 महीने में हमने अर्न किया है, दैट इज प्रॉफिट. इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलता है. पढ़ने आगे बिल्कुल देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं. ये चीजें सारी छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना, ये काफी एडवांस इन्होंने बताया हुआ है, हमें इसमें नहीं जाना. ये सारा भी अभी हम छोड़ेंगे क्योंकि सब कुछ हमें आगे करना है. इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये चीज, ये डेफिनेशन जो एग्जाम में 80% आने के चांसेस होती है फर्स्ट चैप्टर में से. एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, अब मैंने तुम्हें एसेट समझाया था, क्या होता है, हमारी अपनी चीज जो हम ओन करते हैं, जो हम बिजनेस में यूज करते हैं. इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है जो हमें लर्न करनी है. अब ये लर्न कैसे करोगे मैं तुम्हें बताऊंगा. देखो डेफिनेशन इज, एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स. इसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे. प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. ये हमारे तीन ब्लॉक्स यहां पे बनते हैं. एसेट इज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स. इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब ऐसी चीज जो हमें पैसे कमा के देती है. मैंने तुम्हें बताया था पर्सनल एसेट्स जो ओनर के अपने हैं वो बिजनेस में हम नहीं काउंट करते. जो एसेट बिजनेस में यूज होगा जैसे बिल्डिंग मशीन, वही हम काउंट करते हैं. तो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब वो चीज आज की डेट में जो हमें पैसे कमा के देगी, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स. कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी जिसको हम पूरा कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट क्योंकि पहले हमने उसको परचेज किया था, दैट इज कॉल्ड एन एसेट. तो एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. इस तरह से तुम्हें इसको लर्न करना है. तो एग्जाम में हो सकता है तुम्हारे को बोले कि एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तुम कहोगे तो सही है. दूसरा होगा एसेट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये भी सही होगा. तो तीनों चीजें जहां पे लिखी होंगी दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. तो एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स. और ये F7 में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है. SBR में भी ये डेफिनेशंस तुम्हारे को लिखनी पड़ सकती है. जब तुम प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे
एंड तुम्हें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना होगा, यू माइट बी रिक्वायर्ड टू राइट द डेफिनेशन एज वेल. तो अभी से इसको हम ऐसे लर्न कर लेंगे, यही आगे कैरी फॉरवर्ड होगी. तो इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट. इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब कि हमारे पास उस चीज का राइट है कि वो हमें पैसे कमा के दे. कोई भी एसेट, अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जस्ट एग्जांपल एसीसी में तुम्हारे को दिया होगा कि तुम्हारे पास एक मशीन है, बिजनेस में मशीन है, वो मशीन किसी काम की नहीं है. तुमने परचेज की थी वो मशीन, पैसे दिए थे, बिजनेस के नाम पे है, लेकिन वो मशीन किसी काम की नहीं है, उसको तुम यूज ही नहीं कर सकते. अभी तक तुमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तुम कहोगे कि हाँ सर वो तो हमारी बुक्स में आएंगी क्योंकि हमारी अपनी चीज है, यूज नहीं हो रही तो क्या हुआ, कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी, कैरिंग अमाउंट, तो तुम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे. बट नाउ एज पर ACCA कोई भी ऐसा एसेट जो हमें फ्यूचर में पैसे नहीं कमा के दे सकता वो हमारा एसेट नहीं होगा. क्लियर है गाइस एसेट डेफिनेशन सबको? यस सर. एक बार इसको वर्ड फटाफट से बस रीड कर लो, ये तीन चीजें लर्न कर लो और फटाफट से इसको रीड कर लो, फटाफट से रीड कर लो, बस रीड कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे. पढ़ लिया गया सबने? यस सर. गाइस कोई डाउट एसेट की डेफिनेशन में नीचे वाले पैराग्राफ में? चलो किसी ने डाउट नहीं पूछा, लेट्स मूव फर्दर. कोई भी डाउट होगा मुझे रोक देना, मैं वहीं पे करा दूंगा. तो ये था हमारा एसेट. अब बात आती है लायबिलिटीज की, लायबिलिटीज क्या होती है. तो लायबिलिटीज में तुम्हें क्या बताया था, हमें किसी भी पर्सन को पैसे देने होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी. तो लायबिलिटी की हमारी अब डेफिनेशन क्या होगी, अ लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के हमें आज की डेट में कुछ पैसे देने हैं, आज की डेट में कुछ देना है. टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब सिंपल मनी. इकोनॉमिक जहां पे भी इकोनॉमिक टर्म यूज होगा दैट मींस मनी, पैसा. तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हमारे पास एक कंपनी के पास ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स के हमें पैसे देने हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, क्योंकि पहले हमने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन की थी जिसकी वजह से हमारे पास वो पैसे आए थे. तो लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, के पहले किसी चीज की वजह से आज की डेट में हमें किसी को पैसे देने हैं, दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी. ठीक है. और द ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एंटिटी हैज नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड. छोटी छोटी टर्म्स के गाइस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट सिमरन जब तुम अपने एग्जाम दोगी कॉलेज में भी, वहां पे भी इन छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. क्या, अगर मान लो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम किसी को पैसे दो, तुम नहीं भी दोगे तो चलेगा, तुम नहीं भी दोगे तो चलेगा. जैसे कहते हैं ना कि तुम एक कोई डॉक्टर के पास तुम गए, वो डॉक्टर तुम्हारा फैमिली डॉक्टर था, ठीक है, तुमने उसे अपना इलाज करा लिया या हॉस्पिटल से कोई इलाज हमने करा लिया, ठीक है, कराने के बाद हम घर आ गए, उसने बोला ठीक है पैसे ठीक लगे तो दे देना, नहीं ठीक लगे तो कोई दिक्कत नहीं. मुझे बताओ क्या वो तुम्हारी लायबिलिटी तुम आज की डेट में उसको बोलोगे, है या नहीं? है लायबिलिटी. बोलेंगे सिमरन या नहीं, हाँ या ना? यस. ओके निरंजन ताला तुम बताओ कि अगर तुमने हॉस्पिटल में, लेट्स से मेरे को तुम लेके हॉस्पिटल में
और मैं वो हॉस्पिटल तुम्हारे किसी नोन का था, घर आ गया मैं ठीक होके, हॉस्पिटल के ओनर ने बोला कि कोई बात नहीं, पैसे मर्जी है देने दो, नहीं देने ना दो, तुम्हारी मर्जी है, तो क्या वो तुम्हारी बुक्स में लायबिलिटी होगी या नहीं होगी? तालहा निरंजन तुम बताओ। यस सर। ओके तालहा तुम भी बताओ। यस यस सर। ओके वो वैसे एथिकली हमारी लायबिलिटी होगी लेकिन एज अ बिजनेस वो हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों? साफ लिखा हुआ है कि हमें पैसे देने ही देने हैं, वी कैन नॉट अवॉइड, एंटिटी हैज नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड। अगर हम वो पैसे अवॉइड कर सकते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं। एज अ बिजनेस हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम इमोशंस में नहीं चलते। एज अ बिजनेस अगर हमारे पैसे बच सकते हैं तो हम बचाएंगे। इमोशंस की अलग बात है कि हाँ एथिकली यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, बट बिजनेस की सेंस में, एथिक्स को छोड़ दो, बिजनेस की सेंस में इट्स नॉट आवर लायबिलिटी। तो स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है present obligation of the entity to transfer economic resources as a result of past event, and an obligation is a duty of responsibility that entity has no practical ability to avoid. Hum usko avoid nahi kar sakte, that is a liability. Clear hai guys? Ek baar isko acche se padh lo. I'm just coming in 2 minutes. Uske baad iske do questions, fir hum aage badhte hain. I'll try ki aaj main is chapter ko complete kara do. Kuch zyada isme khas nahi hai, aisi definition thi. I'm just coming in 2 minutes. अच्छे से इसको पढ़। कोई डाउट गाइस? पढ़ लिया? एक सेकंड गाइस, वो पढ़ लिया गाइस इन्होंने? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, जल्दी से दोनों क्वेश्चंस करो एंड मैं तुम्हें से किससे भी इसका आंसर पूछ सकता हूं। छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चंस हैं। इसमें से ना गाइस एक चीज, कोई भी टर्म अगर तुम पढ़ते हो, जैसे एन एग्जांपल, जैसे अभी बताता हूं, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट टर्म है तुम्हारी, तुम्हारी टर्म है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारा एसेट नहीं है, कोई बात नहीं, बट बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी टर्म तुम्हारे को ऐसे लग रही है कि तुम्हें नहीं पता उसका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, मुझसे प्लीज पूछना, ठीक है? जिस भी टर्म का सर इसका मतलब मुझे बता दो, हर चीज किसके क्लियर होनी चाहिए। So, first answer मुझे देखा ताला। So, ताला मुझे बताओ first answer क्या है activity number 2 का? Factory building. Factory building is the correct answer. Clear है सिमरन निरंजन? Yes sir. Okay. निरंजन तुम बताओ कि what is the example of a liability, इसका क्या answer है? Loan sir. No, perfect. Loan is a liability. Very good.
चलो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज इक्विटी। अब इक्विटी क्या होती है ये मैं तुम्हारे को बताया था। इक्विटी इज ओनर ने जो बिजनेस में पैसे लगाए होते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विटी। सो इक्विटी की जो डेफिनेशन है जो हमें लर्न करनी है दैट इज इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, ये तुम्हारे को आगे आने वाले चैप्टर्स में समझ आएगी कि इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी। अभी बस तुम ये लर्न कर लेना, अभी के लिए ये लर्न कर लेना, जब आएगा मैं तुम्हें समझा दूंगा। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी। अब इसको बोलने में कैसे बोलेंगे, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज। के एसेट में से जब सारी लायबिलिटी माइनस कर देंगे जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विटी। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें आगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गाइस क्या होता है, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था उसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम लिखी जाती हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में ये बताया जाता है कि उस डेट को हमारे पास कितने एसेट्स थे, उस डेट को हमारे पास कितने एसेट्स थे, बिल्डिंग इतने की थी, प्लांट इतने का था, इतने पैसे कैश में रखे थे, इतने बैंक में थे, इतने उस पर्सन से आने थे, तो ये हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन से। और यहां से पता चलेगा लायबिलिटी कि बाहर वालों को हमें कितने कितने पैसे देने हैं, यार ये लोन लिया हुआ है इसको इतने पैसे देने हैं, उस डेट को इतना पैसा अमाउंट पेंडिंग है, उस डेट को इतना अमाउंट पेंडिंग है, दैट इज हमारी लायबिलिटी। और सेम इक्विटी के उस डेट को ओनर को कितने पैसे हमें देने हैं या ओनर का कितना हिसाब किताब है, ये बनाया जाता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कि उस डेट को कितने हमारे एसेट्स थे, कितनी हमारी लायबिलिटी थी, कितनी हमारी इक्विटी। जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था उसमें होता है पूरे साल में हमने कितनी इनकम अर्न की है, हमने कितने एक्सपेंसेस करे हैं और पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनती है वो एक पूरे पीरियड की बनती है 12 मंथ्स, जैसा मैंने बताया था। फाइनेंशियल पोजीशन होती है दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर डेट के उस डेट को हमारे कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी। तो जिन बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है शायद तुमने देखा होगा जब तुमने 11th 12th के अकाउंट्स बनाए होंगे कि हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द पीरियड एंडेड कि उस पूरे पीरियड के लिए हमने कितने पैसे कमाए हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सॉरी बैलेंस शीट में हम लिखते थे एज एट कि उस डेट को हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी। ये हमारा पूरा जो है अकाउंट्स इस पे बेस है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये बनता है एक पूरे साल का, ये बनाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट का। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या क्या है टर्म्स, इसमें कुछ नहीं है, इसको तुम छोड़ दो, ये सब कुछ हमें आगे पढ़ना है, बिल्कुल इस पे हमें ध्यान नहीं देना। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको एज अ होमवर्क तुम्हें एक बार रीड करना होगा। अभी तो तुम्हारे पास अच्छा किसकी स्टूडेंट को बुक मिली है या किसको नहीं मिली अभी मुझे प्लीज बताओ, एक एक लेट मी टॉक। निरंजन तुम्हें बुक मिली है कि नहीं मिली? निरंजन बुक्स मिली कि नहीं मिली? यस सर मिला है। अच्छा मिल गई। सिमरन या मुझे भी मिल गई। ठीक है ताला मिल गई। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट एक अकाउंटेंट बनाता है
ये जो स्टेटमेंट्स बनती हैं, इनको कौन कौन यूज करता है और क्यों यूज करता है, तो ये सारे लोग होते हैं, दीज आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं। किस पर्पस से यूज करते हैं ये मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम्हारी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मुझे बताना, इन्वेस्टर क्यों कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है? सिमरन तुम बताओ, व्हाई इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फॉर सीइंग द प्रॉफिट। ओके, बस दैट्स इट। और भी चीजें होती है वैसे मैं तुम्हें बता, और जो वो फंड्स इन्वेस्ट करेंगे उसकी ग्रोथ कितनी होगी? फंड्स इन्वेस्ट करेंगे उसमें उनको ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनिशियली जैसे तुमने जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह देखे होंगे, या जैसे हमारा एक शार्क टैंक आता है, शार्क टैंक तुमने देखा होगा, तो उसमें जितने भी लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो इनिशियली लॉस पे ही होते हैं, बट इन्वेस्टर्स देखते हैं कि उनकी बुक्स कैसी बन रही है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, अगर वो पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो वो कैसे यूज करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, दैट्स व्हाई दे सी कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे चल रहे हैं। चलो तालहा, यू टेल मी व्हाई एम्प्लॉइज सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी? To see whether it's trustable, company is like. थोड़ा जोर से बोलो, आवाज़ ठीक से नहीं आई। Employees whether it is trustable company or नहीं, not. कंपनी में जो काम कर रहा है वो तो ट्रस्ट पे ही काम कर रहा होगा ना, वो ऑलरेडी काम कर रहा है कंपनी पे, तो फिर वो थोड़ी सोचेगा कि ट्रस्टेबल है कि नहीं। नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत है, बोल दो कैसा मुझे नहीं आता। चल कोई बात नहीं, एम्प्लॉयज कंपनी में क्यों उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं? टू सी कि कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, सो दैट दे कैन डिसाइड कि उनको कितना बोनस मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज की वजह से ही कंपनी चलती है, तो एम्प्लॉयज डिजर्व अ गुड बोनस, तो वो कहेंगे कंपनी इतना पैसा कमा रही है हमें भी तो बोनस दे, सैलरी बढ़ाओ हमारी, इतना पैसा आप कमा रहे हो। और दूसरा, अगर कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही है तो दे कैन सी कि हम जो कंपनी है वो स्विच कर लेते हैं कि भाई ये कंपनी तो लॉसेस में जा रही है, कभी भी हमें निकाला जा सकता है, काफी लॉसेस में है, तो दूसरी कंपनी देखनी शुरू कर दो। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयज विल बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज। ठीक है, चलो निरंजन तुम बताओ कि व्हाई लेंडर्स, लेंडर्स मतलब जो कंपनी को सामान, कंपनी को पैसे देते हैं क्रेडिट पे, जो कंपनी को पैसे देते हैं क्रेडिट पे, वो क्यों कंपनी की बुक्स में इंटरेस्टेड होंगे? ट्राई करो सर, उसको तो फिर रिटर्न भी लेना होगा ना जो इन्वेस्ट किया होगा उसने। हाँ, तो ठीक है, तो वो कंपनी कंपनी की बुक्स क्यों चेक करेंगे, क्या देखेंगे बुक्स में? वही कि कितना ग्रोथ हो रहा है, कंपनी कितने पैसे कमा रही है, ग्रोथ से उनको मतलब नहीं होता, लेटर्स को कोई मतलब नहीं है कंपनी कितना ग्रो कर रही है, उनको ये मतलब होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स क्या इतने आ रहे हैं कि वो इंटरेस्ट दे पाए। लेंडर्स वो होते हैं जिनको, जिनसे हम सब पैसे क्रेडिट पे लेते हैं, उनको ये मतलब होता है कि क्या कंपनी इतने प्रॉफिट कमा रही है कि हमारा पैसा रिटर्न कर पाए। दैट्स व्हाई लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो सप्लायर्स, अब मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ, जस्ट नॉट टू वेस्ट योर टाइम। व्हाई सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सप्लायर्स वो होते हैं जिनसे कंपनी सामान क्रेडिट पे परचेज करती है, तो सप्लायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये पुराने सप्लायर्स जो हैं उनको कितने टाइम में पैसे वापस करती है। ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे कितने उसके सप्लायर्स हैं, कितने टाइम में ये कंपनी उन सप्लायर्स को पैसे वापस करती है, क्योंकि अगर कंपनी सप्लायर्स को काफी लेट पैसे वापस करती है तो ये शायद इनको कंपनी में पैसे ना डाले कि यार हम कंपनी को सामान दें ये तो 4 महीने बाद पैसे देंगे। So they are interested when company is, either company is repaying back to the other suppliers on time. Next, customers. Why customer are interested in the books of the company? Ab ye ek bada acha concept hai, dhyan se sunna. Customers is not hamara consumer. Ye sabse bada doubt hota hai. Customer is not consumer. Ab jaise
टूथपेस्ट है जैसे पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में तुम्हें पेप्सोडेंट टूथपेस्ट मिलता है कोई आजकल? टूथपेस्ट सब सारे करते हैं, कोई पतंजलि का करता है, कोई डाबर का करता है। पेप्सोडेंट तुमने देखा होगा कि पेप्सोडेंट आना ही बंद हो गया मार्केट में, तुम्हें बहुत रेयर मिलेगा। कोलगेट मेजरली मिलता है, कोलगेट ये सब वो सब चलते हैं, मिसवाक वगैरह, लेकिन पेप्सोडेंट बहुत ज्यादा कम हो गए। तो पेप्सोडेंट में अब जैसे पेप्सोडेंट कंपनी है, पेप्सोडेंट कंपनी के सप्लायर्स हो, सॉरी उनके वो होंगे होलसेलर, पेप्सोडेंट कंपनी के होलसेलर होंगे। पेप्सोडेंट कंपनी की जब वो बुक चेक करेंगे वो देखेंगे कंपनी तो बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही, कंपनी का तो काम ही ठीक से नहीं चल रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कंपनी को। तो भाई हम इनसे सामान परचेज करके आगे सेल करते हैं, कल को कंपनी बंद हो गई हम कहां से सामान परचेज करके आगे सेल करेंगे, हम दूसरी कोलगेट कंपनी से बात कर लेते हैं और उनका सामान भी सेल करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसका सामान ही परचेज करेंगे, ये कंपनी बंद होने वाली है, लॉसेस में जा रही है, तो हम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो दैट्स वाई कस्टमर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। देन आते गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, व्हाई दे आर इंटरेस्टेड, जो प्रॉफिट है क्या उन प्रॉफिट में कंपनी टाइम पे टैक्स पे कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा है वो टैक्स कम पे कर रही है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाई पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, टू सी कि कंपनीज अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो अपनी जो प्रोडक्ट है इतना कॉस्टली क्यों रखा हुआ है, इतना महंगा तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो, इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट मीन्स तुम कस्टमर्स को लूट रहे हो। अगर कोई चीज तुमने 100 की बनाई है और तुम 2000 की बेच रहे हो तो लोग बोलेंगे ना भाई 2000 की क्यों बेच रहे हो तुम, फिर तो बेवकूफ बना रहे हमें। तो इसीलिए पब्लिक इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। यू माइट बी वंडरिंग कि सर ये तो हमारे साथ होता ही है मार्केट में, हम कोई भी अच्छी टी शर्ट, महंगी टी शर्ट भी लेना तो 3,000-4,000 की एक टी शर्ट होती है। कितने की टी शर्ट होती है वो? 200 रुपए की तो टी शर्ट होती है, तो इतनी महंगी वो देते हैं, बेवकूफी तो बना रहे। मैं ये कहता हूं कि वो हमें बेवकूफ नहीं बना रहे, वो महंगी इसलिए है क्योंकि वो जो शोरूम है, जिस जगह पे वो शोरूम है उसका रेंट कितना जा रहा होगा, वहां पे कितने अच्छे इंप्लॉयज होंगे, कितना अच्छा उन्होंने वेल मेंटेन किया होगा, ऑल ओवर इंडिया कितने शोरूम होंगे, तो वो भी तो कॉस्ट कवर करेंगे ना। ठेले पे हमें सेम टी शर्ट जो है वो हमें मिल सकती है 500 रुपए की, क्यों? क्योंकि उनका कोई फिक्स खर्चा नहीं है, इनका रेंटल एक्सपेंस होगा, लोन लिया होगा, वो लोन पे इंटरेस्ट जा रहा होगा, तो बहुत एक्सपेंसिस होते हैं। उनसे पूछेंगे ना तो वो भी कहेंगे भैया हमारे को 2500 की पड़ती है एक टी शर्ट, हमारा प्रॉफिट मार्जिन तो सिर्फ 500 है। ये चीज होती है। सो दैट्स व्हाई पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो ये है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है सबको? यस सर, यस। चलो अब एक्टिविटी नंबर 5, एक बार वैसे ही इसको पढ़ के मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द आंसर। तीनों बताना मुझे इसका आंसर। थर्ड ऑप्शन, बजट फॉर द कमिंग पीरियड। ओके, सिमरन ताला, सेम सेम। ओके ओके, व्हाई डिड यू से थर्ड? अगर मैं पूछूं इसका आंसर ताला से, या चलो निरंजन तुम बताओ व्हाई थर्ड शुड बी द आंसर, व्हाई नॉट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ? बिकॉज़ क्वेश्चन में ही ऐसा बोला है कि एक साल के में क्या डिसीजन वो मैनेजर लेगा, तो मेरे हिसाब से इसे लगा बजट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सही आंसर। मैं सच्ची बताऊं पिछले 7-8 बैचेस में ये आंसर किसी बच्चे ने सही नहीं दिया,
तुम्हारे बैच ने सही दिया तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया, या हो सकता है कि तुम सबने बुक है तुम्हारे पास तो बुक में से तुमने देख लिया हो, शायद मैं नहीं कह रहा देखा होगा बट शायद देख लिया हो, अगर देखा हो तो प्लीज आगे से मत देखना, प्लीज मत देखना, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर खुद करा है समझ के करा है सो दैट्स रियली अमेजिंग। तो हमें ये देखना है कि मैनेजर, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजर्स के लिए अगले साल के डिसीजन लेने के लिए क्या इंफॉर्मेशन सबसे यूजफुल रहेगी, तो दैट इज अगले साल के बजट्स, कि अगले साल के जो बजट्स हैं उसी से हम प्लान कर सकते हैं कि हमें कैसे काम करना है, पिछले साल क्या हुआ, पिछले 5 साल क्या हुआ, इसका टैक्स रिकॉर्ड क्या है, ये भी यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि यूजलेस नहीं है, लेकिन पहले हम बजट बना के देन विल सी कि कहां से हमारा सिचुएशन चल रही है, क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है, सो थर्ड इज दी जो इसका आंसर है, ठीक है, दैट्स रियली गुड, तुम सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है। चलो उसके बाद गाइस तुम्हारा ये आता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये छोटा सा है, इसको सिर्फ प्लेन रीड करना है, अभी नहीं करना, आफ्टर दी क्लास कर लेना बुक में से। अब हमारा इस चैप्टर में जो पेंडिंग पड़ा है मैं तुम्हें बताता हूँ, एक है तुम्हारा टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, ये हमने पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का जो तुम्हें जानना चाहिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी सब्जेक्ट्स में तुम्हारा यूज होगा, तुमने F1 जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसको ये चीज पता होगी या शायद इतनी डेप्थ में ना पता हो, आगे तुम F7 करोगे, F8 करोगे, वहां जाओगे तुम प्रोफेशनल पे, AAA करोगे, SBR करोगे, वहां सारा इस चीज का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट लाइकली वी विल बी कवरिंग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड पार्ट भी पूरे, फर्स्ट का जो ये पार्ट बचा है और सेकंड चैप्टर, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लीजिए, तो आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट कि मैं कोई टॉपिक बीच में छुड़वाऊं, टॉपिक हम इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट का रिमेनिंग और सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे। एक छोटी सी चीज है गाइस, आई एम गिविंग ड्यूटी, ये ड्यूटी मैं देता हूं तालहा को, ड्यूटी क्या है तालहा, तुम्हारे को आफ्टर द क्लास बस एक बार ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तुम्हें ये लिखना है कि आज हमने कौन सा चैप्टर करा है, जैसे तुमने लिखा आज फर्स्ट चैप्टर, तो यू विल से चैप्टर नंबर 1 हमने पार्ट 1 कर लिया, ठीक है, तुम कहो तो मैं कर लेता हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट अगर कर ले तो कोई नुकसान नहीं है, कि हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लिया, सो यू विल राइट चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट या चैप्टर 2 पेंडिंग, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ऐसा तुमने बना के लिखना, ठीक है, तुम लिख लेना मैं लिख लूं, इट्स टोटली अप टू यू, बट इट्स ऑलवेज गुड कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, सो दैट आई गेट टू नो दी ट्रस्ट, कि हम आपस में एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने गाइस तुम्हें आज पढ़ाया, FA का एक इंट्रोडक्शन दिया पूरा, FA के बारे में बताया, चैप्टर हमने करा, इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, आई वुड वॉन्ट योर रिव्यू आज की क्लास के बाद कि जो मैंने पढ़ाया तुम्हें मेरी स्पीड कैसे लगी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कैसी लगी, क्या तुम्हें लगा कि कुछ कमी है जो ठीक करनी है, प्लीज इंडिविजुअली मुझे ये चीज बताओ, सो दैट नेक्स्ट क्लास से मैं वो चीज इंप्रूव करूं और वो चीज हम आगे चलें। अगर क्लास में तुम्हें कोई दिक्कत है, देखने में कोई दिक्कत आ रही है, जो भी इशू तुम्हारे को है मुझसे प्लीज डिस्कस करो, सो दैट नेक्स्ट क्लास में ऐसे कोई इश्यूज ना रहे, मेरे पढ़ाने की स्पीड जो भी है प्लीज मुझे बताओ गाइस, एक एक से पूछता हूँ, निरंजन पहले तुम बताओ, है तो प्लीज बताना, शर्माना किसी ने नहीं है गाइस, यू हैव पेड दी मनी, पैसे तुमने दिए हैं, यू हैव फुल राइट कि तुम्हारे को वीडियोस अच्छी मिले, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो, एंड आगे जो मॉक्स वगैरह होंगे वो सब कुछ तुम्हें मिले, ये चीज अपनी याद रख, पैसे दिए हैं तुम्हें सब कुछ मिलना चाहिए, यस नहीं लगता सर एवरीथिंग इज राइट बट वीडियो सम टाइम ब्लर्स, अच्छा वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई बीच में सर, ऑडियो भी आपकी ऑडियो भी ब्लर हो रही है, लैग कर रही है ऑडियो सर, कभी कभार लैग कर रही है, सिमरन सर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड द पेस इज आल्सो गुड, जस्ट द वीडियो एंड वॉइस वाज लैगिंग इन अ बिट, द वीडियो एंड वॉइस आर लैगिंग, सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना, ये जैसे हमारा जो लाइव क्लास चल रही है ना, तो लाइव क्लास में जैसे जूम का थोड़ा सा होता है कई बार, नेटवर्क ऊपर नीचे होता है, मे बी दैट उसकी वजह से है, I'll do one thing, जब भी तुम्हारे को कोई लैग लगे, ठीक है ना, क्योंकि ये it's like Zoom, हमारी लाइव क्लास है, लाइव क्लास में एक आधा थोड़ा बहुत ब्लरनेस हो जाती है, ये मैंने पहले भी देखा है, अगर उस चीज में ज्यादा कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे बताना, I'll change the system, क्योंकि ये जो सिस्टम है
पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें तुम्हारे को मेरा फेस नहीं मिलेगा, वो सिर्फ तुम्हारे को स्क्रीन दिखेगी जैसा यूट्यूब पे। वैसे भी मैं क्लासेस पहले वी गाइड पे लेता था, बट दिस इज अ न्यू सिस्टम विच आई एम यूजिंग सो दैट एक फेशियल इंटरेक्शन हो विच इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये इस तरह से स्टार्ट किया है। तो अगर तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा लैगिंग हो रही है, एक बार नेक्स्ट क्लास और करते हैं, काफी लैगिंग हो रही है, तो आई माइट स्विच टू द ओल्ड सिस्टम और आई विल ट्राई कि मैं अपना इंटरनेट जो है वो कनेक्शन थोड़ा सा अपने पास कर लूंगा। आई एम यूजिंग एक्सटेंडर सो शायद आगे ये दिक्कत ना है। कोई और चीज गाइस? नो सर। ठीक है। सो गाइस देखो, इस चैप्टर की अभी तुम्हारे को कोई एग्जाम किट नहीं करनी, अभी तुम्हें सिर्फ इसका जो मैंने बेस बताया वो बेस देखना है। इस चैप्टर के बाद तुम्हारे भी एग्जाम किट के क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एग्जाम किट क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हें करने होंगे। सो आज का तुम्हारा होमवर्क सिर्फ ये है, थोड़ा सा लाइट है, जस्ट तुम्हारे को इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ना है, डेफिनेशंस लर्न करनी है, और जो मैंने तुम्हारे को अकाउंट्स का पूरा बेस बताया उसको बस एक दो बार देखना। दैट्स इट। अब हम क्लास करते हैं परसों सेम टाइम 4:30 to 6:30। ठीक है गाइस? ओके सर। थैंक यू सर। बाय गाइस। ताला प्लीज ग्रुप पे लिख देना, प्लीज जस्ट राइट इन द ग्रुप कि हमने क्या कवर किया आज। चैप्टर 1 पार्ट 1 आई थिंक। चैप्टर 1 पार्ट 1, जस्ट राइट चैप्टर 1 पार्ट 1। ठीक है ओके। चलो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू डे आफ्टर टुमारो। और गाइस अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड या नोन किसी ने भी अगर एफसी की क्लासेस लगानी है अभी, तो दिस इज द राइट टाइम। एक सिर्फ एक नेक्स्ट वीक है, मैंने अपना वैसे विंडो ऑफ कर दी थी, बट जस्ट फॉर नेक्स्ट कमिंग वीक मैं स्विचिंग ऑन माय विंडो फॉर द F3 क्लासेस। कि अगर किसी ने भी लगानी है तो वो कर सकता है, बिकॉज उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगा कि और भी बच्चे नहीं आ पाए, बिकॉज उसके बाद फिर मैचिंग नहीं हो पाएगी, वो काफी पीछे होगा, तुम आगे होगे। तो कोई भी हो तो ग्रुप में बता देना, या फिर यू हैव एडमिन नंबर उसको बता देना। चलो बाय गाइस, हैव अ गुड टाइम। बाय सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय।